दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल AK मूवी फैक्ट पे। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसका आप लोगों का बहुत लंबे समय से इंतजार था। यह दोस्तों आपको बता दें आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भोजपुरी फिल्म सासू जी तूने कदर न जाने के बारे में। यह गाइस आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये फिल्म कब रिलीज होगी और दोस्तों इसी के साथ इस फिल्म की शूटिंग क्या समाप्त हो पाई है या नहीं, इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म के अधिकार कौन से टीवी चैनल को बेचा गया है या फिर कौन से यूरोप चैनल को बेचा गया है, यहाँ दोस्तों जिसकी वजह से आप लोग को ये पता चल जाएगा कि ये फिल्म आपको सबसे पहले कौन से टीवी चैनल पे देखने को मिलेगा या फिर कौन से यूरोप चैनल पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे इस फिल्म की हीरो कौन है, फिल्म की हीरोइन कौन है, फिल्म के राइटर कौन है और फिल्म के डायरेक्टर कौन है, इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी किए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो फैंस से वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से बात करते हैं सासू जी तूने कदर ना जाने फिल्म के बारे में। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी के रिलीज डेट के बारे में। तो बता दे दोस्तों इस फिल्म को 3 अगस्त बुधवार को रिलीज किया जाएगा बी फॉर यू यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पे आपको अच्छी अच्छी भोजपुरी फिल्म देखने को मिलता है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सासू जी तूने कदर न जाने के बारे में। बता दे दोस्तों सासू जी तूने कदर न जाने अपकमिंग भोजपुरी फिल्म है जिसे बी फॉर यू मोशन एंड SS विद हाई IQ ENT के बैनर के तले बनाया जा रहा है जिसके निर्देशक है अजय कुमार झा और निर्माता के बारे में हम बात कर ले तो संदीप सिंह है और अरविंद कुमार अग्रवाल इस मूवी में लीड रोल में नजर आने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों फिल्म के हीरो के बारे में हम बात कर ले तो आदित्य ओझा फिल्म के हीरो होने वाले हैं। फिल्म की हीरोइन के बारे में हम बात कर ले तो संचिता बनर्जी फिल्म की हीरोइन होने वाली है। दूसरे प्रमुख कलाकारों के बारे में हम बात कर ले तो उनमें प्रमुख जो है संतोष श्रीवास्तव, निधि सिंह, उनके अलावा सीनियर मिश्री और रिंकू भारती इस फिल्म में काफी अच्छी रोल में नजर आने वाली है। जो सास के रोल में इस फिल्म में नजर आने वाली है रिंकू भारती। जी हाँ फैंस सासू जी तूने कदर न जानी ये एक ड्रामा फिल्म है, फैमिली मूवी है। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों फिल्म के ट्रेलर के बारे में हम बात करें तो फिल्म के ट्रेलर में हमें देखने को मिला है कि सासू जी तूने कदर न जाने में जो हीरो की माँ है वो अपनी बहू के लिए तरस रही होती है। जब उनका बेटा का विवाह होता है तो उनके घर में एक बहुत ही खूबसूरत बहू आती है। बहू के आने के बाद वो सोचती है कि जैसे उसने अपने मन में सोचा था, अपने सपना में सोचा था कि बहू जब आ जाएगी तो सारे घर के काम अकेले कर लेगी, जैसे कि दोस्तों गांव घर में सोचा जाता है और सारा बोझ जो है बहू के ऊपर डाल दिया जाता है। तो कुछ इसी तरह की कहानी इस फिल्म में हमें देखने को मिलता है। जी हाँ फ्रेंड्स अगर बात की जाए फिल्म के डायरेक्टर के बारे में तो अजय कुमार झा ने फिल्म को डायरेक्ट किया। फिल्म की प्रोड्यूसर के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म को 2 लोगों ने प्रोड्यूस किया। सबसे पहले संदीप सिंह, उनके अलावा अरविंद कुमार अग्रवाल इस फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं। स्टोरी लेखक के बारे में हम बात कर ले तो अरविंद तिवारी जी फिल्म की कहानी को लिखे हैं। म्यूजिक के बारे में हम बात कर ले तो ओम झा ने इस फिल्म के गाने को तैयार किए हैं। लिरिक्स के बारे में हम बात कर ले तो अरविंद तिवारी जी ने गाने को लिखे हैं। कोरियोग्राफर के बारे में हम बात कर ले तो परवीन सलार ने कोरियोग्राफ किया है फिल्म को। जी हाँ फैंस सासू जी तूने कदर ना जाने फिल्म में आपको एक अच्छी कहानी देखने को मिलेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि इसमें आपको अश्लील सीन देखने को मिलेगा। बता दें दोस्तों फिल्म बहुत जल्द रिलीज होगी। फिल्म के ट्रेलर अभी तक आपने नहीं देखा है तो बी फॉर यू भोजपुरी चैनल पे इस फिल्म के ट्रेलर को रिलीज किया गया है, वहां पे जाके फिल्म के ट्रेलर को आप देख सकते हैं। बात की जाए फिल्म की हीरोइन के बारे में तो संचिता बनर्जी का किरदार इस फिल्म में एक गृहिणी के रूप में देखने को मिलेगा। जहां दोस्तों वो अपने सास से परेशान हो जाती है क्योंकि जब उनका विवाह होता है तो उनकी सास उनके पीछे ही पड़े रहती है काम करने के लिए। और दोस्तों उनकी सास का ये कहना है कि तुम जल्दी उठो, जल्दी से खाना बनाओ और सभी को खिलाओ, इसके बाद खुद खाओ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि संचिता बनर्जी को पता नहीं होता है कि विवाह होने के बाद क्या होगा गांव में, क्योंकि दोस्तों संचिता बनर्जी फिल्म के अंदर शहर से बिलोंग करती है। और आदित्य ओझा के बारे में हम बात कर ले तो आदित्य ओझा गांव से बिलोंग करते हैं। लेकिन दोस्तों आदित्य ओझा का किरदार इस फिल्म में सिर्फ एक पति का है, साफ सुथरा पति का, जो एक हीरो के किरदार में इनका किरदार के बारे में हम बात कर ले तो ठीक ठाक हमें देखने को मिला है ट्रेलर के अंदर। जैसे कि दोस्तों एक आम पति होता है जो अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता है, अपने घर लाके रख देता है फिर काम पे चला जाता है, इसी तरह का सीन इस फिल्म में हमें देखने को मिला है। क्योंकि आदित्य ओझा का विवाह होने के बाद संचिता बनर्जी और आदित्य ओझा घर पे आते हैं, उसके बाद आदित्य ओझा बाहर चले जाते हैं, फिर उनकी माँ सब कुछ देखभाल करती है।
आदित्य ओझा की माँ, इसमें रिंकू भारती है। रिंकू भारती का अपने सास अपनी बहू के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा भी देखने को मिलता है, यानी कि कुछ खाना में गड़बड़ हो जाना, फिर पहले सबसे उठ के खा लेना, ये सब चीज़ें जो है इस फिल्म में रिंकू भारती को कुछ पसंद नहीं आता है। तो ये कहानी आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक नॉर्मल कहानी है, जो गांव की कहानी को लेकर बनाया गया है। फिल्म में कोई भी अश्लील सीन हमें देखने को नहीं मिलता है। अगर बात करें कि ये फिल्म पारिवारिक है या नहीं, तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि ये एक शुद्ध पारिवारिक फिल्म है। फिल्म के गाने के बारे में हम बात करें तो गाने भी काफी अच्छे हैं, फिल्म के गाने भी ठीक ठाक हमें देखने को मिलता है। वैसे दोस्तों भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में हम बात करें तो भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसे कई सारी फिल्में साल में रिलीज होती है जिसमें बहुत सारे अश्लील सीन भर दिए जाते हैं, जो ऑडियंस को काफी ज्यादा बुरा लगता है और बहुत ऐसे ऑडियंस जिनको अच्छा भी लगता है। लेकिन दोस्तों क्या अश्लील सीन के बगैर फिल्में नहीं बनाई जा सकती? तो मेरा ये कहना है कि अश्लील सीन के बगैर भी फिल्में बनाई जा सकती है और फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स भी देखने को मिलेगा, जैसे कि पहले जमाने में हुआ करता था। लेकिन दोस्तों बीच में भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा कचरा हो गया था, क्योंकि बहुत ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने बिल्कुल गंद फैला दी थी और बहुत ऐसे ऐसे अश्लील गानों को निकाल दिया, जिसकी वजह से ऑडियंस जो है फिल्म को देखना ही बंद कर दिया था। लेकिन दोस्तों वापस से भोजपुरी की तरफ ऑडियंस जो है लौट रही है, भोजपुरी फिल्म को पसंद करने लग गई है, जैसे कि इस फिल्म को देखने के लिए लोग बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी भोजपुरी फिल्म सासू जी तूने कदर ना जानी को यूट्यूब पर देखना पसंद करते हो, तो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो में हम इस मूवी से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट को वीडियो में बता रहे हैं। सासू जी तूने कदर ना जानी फिल्म के रिलीज डेट के बारे में हम बात कर ले तो 3 अगस्त को इस फिल्म को यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जाएगा, बी4 YouTube चैनल पे। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप भोजपुरी फिल्म को देखना पसंद करते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। जी हाँ फैंस, भोजपुरी फिल्म की कहानी के बारे में हम बात कर ले तो कहानी सिर्फ यानी कि शॉर्ट में कहानी होती है, लेकिन भोजपुरी फिल्म के अंदर आपको एक चीज ज्यादा देखने को मिलेगा, वो है फिल्म के गाने। यानी कि जरूरत नहीं भी होती है, फिर भी आपको 6 या 7 या 10 गाने कम से कम एक भोजपुरी फिल्म में तो आपको देखने को मिलता है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें भोजपुरी फिल्म में ज़्यादा गाना होना ये आम बात है। ऐसे में दोस्तों भोजपुरी इंडस्ट्री के संचिता बनर्जी ने अपनी सोशल अकाउंट पे इस फिल्म का सबसे पहले प्रचार किया था। संचिता बनर्जी ने अपने सोशल मीडिया पर अपनी आने वाली फिल्म सासू जी तूने कदर ना जानी का फर्स्ट लुक जारी किया था और सभी को बताया था। फिल्म के फर्स्ट लुक के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों फर्स्ट लुक को लोग बहुत ज़्यादा पसंद किए और एक्टर संचिता बनर्जी भोजपुरी इंडस्ट्री के पॉपुलर चेहरों में से एक मानी जाती है। उन्होंने दोस्तों भोजपुरी के कई बड़े स्टार के साथ काम किया है। उनकी एक्टिंग के बारे में हम बात करें तो दर्शकों को खूब ज़्यादा उनकी पसंद आती है। हर किसी की नजरों में एक्टर्स अपनी काबिलियत के बदौलत छाई हुई है। अपनी इस आने वाली फिल्म में एक्टर संचिता बनर्जी आदित्य ओझा के साथ नजर आने वाली है। पोस्टर में एक कॉमेडी ड्रामा का वादा किया गया है, जिसमें बनर्जी संचिता एक गृहिणी की भूमिका निभाती हुई नजर आएंगी। और दोस्तों उन्होंने पोस्टर करते हुए ये बताया है कि ये फिल्म बहुत जल्द रिलीज होने के लिए आ रही है। वैसे में दोस्तों आपको बता दे सासू जी तूने कदर ना जानी अजय कुमार झा द्वारा निर्देशित की गई है, जबकि संदीप सिंह और अरविंद कुमार अग्रवाल द्वारा निर्मित किया गया है। इस फिल्म के अंदर किरण यादव, संतोष श्रीवास्तव, रिंकू भारती और मनोज सिंह भी नजर आने वाले हैं। इसके अलावा संचिता बनर्जी के पास वैष्णी में बाबूजी के आशीर्वाद और 5 महारिया जैसी कई फिल्में हैं, जिनमें किशन राय, गार्गी पंडित, कनक पांडे, निशा दुबे और प्राची सिंह नजर आने वाली है। एक्टर्स ने जैसे ही अपने फिल्म का फर्स्ट लुक जारी किया, लोगों ने उस पर अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। हर किसी को उनके फिल्म का फर्स्ट लुक बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। हालांकि फिल्म को कितना प्यार मिलेगा ये तो रिलीज होने के बाद ही हम आपको बता सकते हैं। जी हाँ फैंस, क्योंकि दोस्तों रिलीज होने से पहले सभी प्रोड्यूसर का और सभी डायरेक्टर का यही कहना होता है कि हमने एक अच्छी कहानी को तैयार किया है, एक अच्छी कहानी बनाने की कोशिश की है, ये सभी का कहना है। लेकिन दोस्तों कहानी कितनी अच्छी है ये तो रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। यानी कि अगर आपने एक बिरयानी पका लिया और सभी को आप बता रहे कि ये बिरयानी बहुत ही स्वादिष्ट है, लेकिन दोस्तों जब तक आप खा के देखोगे नहीं, आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये बिरयानी कितनी स्वादिष्ट है और कितने लायक है। वैसे ही इस फिल्म के उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं कि जब तक आप इस फिल्म को देखोगे नहीं, आपको उतना कुछ ज्यादा समझ में आने वाला है नहीं। दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे सासू जी तूने कदर ना जानी भोजपुरी फिल्म को, जो बहुत जल्द यूट्यूब पे रिलीज होने आ रही है। वैसे में दोस्तों आपको बता दें, वैसे भोजपुरी फिल्म में बहुत है, भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारी फिल्में अभी रिलीज होने वाली है। खेसारी लाल का फिल्म आने वाला है, साथ ही साथ अमरपाली दुबे का फिल्म आने वाला है, रहुआ का फिल्म आने वाला है, ऐसे बहुत से एक्टर्स हैं जिनकी फिल्म अभी बहुत जल्द आने वाली है साल 2023 के अंदर।
इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें खेसारी लाल यादव का भी फिल्म 2023 में रिलीज हुआ है। साल 2023 में फरिश्ता फिल्म को रिलीज किया गया है। भोजपुरी फिल्म जगत में एक ही नाम की गूंज यानी की सुनाई दे रही अभी, और वो है नाम कोई और नहीं बल्कि हिट जो है मशीन खेसारी लाल यादव का नाम अभी दिखाई दे रहा है। दोस्तों कहा जा रहा है कि रोजाना एक के बाद एक गाना इनका रिलीज होते जा रहा है और सबको अपना दीवाना बना रहे हैं। खेसारी लाल यादव की हालिया रिलीज भोजपुरी फिल्म फरिश्ता जो काफी शानदार बॉक्स ऑफिस पे कमाई किया है। दोस्तों अगर हम इनके गाने के बारे में हम बात कर ले तो इनके गाने में खेसारी अपने माता पिता और भाइयों की सेवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका पागलपन ही इस गाने की जान है जो दर्शकों को इसे बार बार देखने पर मजबूर कर रहा है। इस गाने को वेब म्यूजिक के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पे रिलीज किया गया है। गाने में खेसारी के एक्सप्रेशन ने सभी का ध्यान अपनी तरफ जो है खींचा, वहीं इसके अमित शुक्ला का सख्त रुख भी इसमें देखने को मिलता है। गाने में खेसारी कहते हैं कि हरदम माई बाप की सेवा में लागल रहेला, हरदम माई बाप की सेवा में लागल रहेला और एके दुनिया पागल कहेला। गाने को अब तक जो है 3 लाख के करीब व्यूज मिल चुके हैं, 37,000 से अधिक इसके लाइक मिल चुके हैं। इस गाने को खेसारी लाल यादव की फैन फॉलोइंग इतनी तगड़ी है कि वह किसी भी गाने या फिल्म को हिट कराने के लिए उनका नाम अभी काफी हो चुका है। फरिश्ता इस समय आपको बता दें यूपी बिहार में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। फरिश्ता भोजपुरी फिल्म एक अच्छी कहानी की पारिवारिक फिल्म है। इस फिल्म में खेसारी लाल यादव एक पागल बेटे के रोल में नजर आ रहे हैं। इसके पिताजी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते फिल्म में और हमेशा उसको पागल कहकर नीचा दिखाते रहते हैं। इस गाने को सिंगर बबुआ विकास ने गाया है। वहीं इस गाने के लेखक के बारे में हम बात कर ले तो म्यूजिक कृष्णा बेदर्दी ने इस गाने को लिखा है। जी हाँ दोस्तों गाने काफी शानदार लिखे हुए हैं। बता दें खेसारी लाल यादव जल्द ही नए अवतार में नजर आएंगे। अपकमिंग फिल्म वीर हनुमान में वह नजर आने वाले हैं। निर्माता रत्नाकर कुमार ने फिल्म की घोषणा करते हुए एक पोस्टर शेयर किया। पोस्टर जो है सिंदूर रंग के साथ बनाया गया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा है कि अनाउंसमेंट फिल्म जो है वीर हनुमान बीत के साथ खेसारी लाल फिर से वापसी कर रहे हैं। या दोस्तों इनका एक और ये फिल्म देखने में काफी शानदार हमें और मजा आने वाला है। वैसे दोस्तों अगर आप खेसारी लाल यादव के फैन हो तो इस वीडियो में आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं भोजपुरी फिल्म सासू जी तूने कदर न जानी के बारे में, जिसको काफी ज्यादा सुर्खियां मिली है कि ये फिल्म कब तक रिलीज होगी। काफी ज्यादा सुर्खियों में ये फिल्म छाया हुआ है। वैसे में दोस्तों इस फिल्म के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा भी किया गया था 2022 से लेकर 2023 में। लोग इसको देखने के लिए यूट्यूब पे बहुत ज्यादा सर्च कर रहे हैं लेकिन ये फिल्म अभी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है। वैसे में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस मूवी को मैं भी अपलोड नहीं कर सकता क्योंकि इस मूवी को अपलोड करने का अधिकार मुझे नहीं है और मेरे पास ये फिल्म है भी नहीं, क्योंकि आप लोग का बहुत ज़्यादा कमेंट तो आता रहता है कि सर आप अपने चैनल पे फिल्म को अपलोड कीजिए। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं कि मैं सिर्फ मूवी को रिव्यू कर सकता हूं, बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में ही बता सकता हूं। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं आकांक्षा दुबे के बारे में, जिनकी दुखद घटना ने सभी को काफी ज्यादा परेशान कर दिया है क्योंकि इनका एक रहस्यमय मौत हो गई जिसकी वजह से हमें कुछ भी नहीं पता चल पाया कि आकांक्षा दुबे को क्या हुआ था। तो इनका एक गाना रिलीज हुआ है, चलिए उस गाने के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दे आकांक्षा दुबे एक भोजपुरी एक्टर्स है। मॉडलिंग और डांसर में इनका बहुत ज्यादा शौक था जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत फेमस थी और उन्होंने ज्यादातर भोजपुरी स्टार समर सिंह के साथ काम किया है। उनके बहुत सारे भोजपुरी गाने आ चुकी है जो कि लोगों ने बहुत पसंद किया है और इस वजह से इनके गाने वायरल भी बहुत ज़्यादा होते हैं। आज हम आकांक्षा दुबे के बारे में आप सभी को बताने जा रहे हैं। आकांक्षा दुबे मूल रूप से बहुत ज़्यादा यानी कि भदोई उत्तर प्रदेश की रहने वाली है और उनके बारे में हम बात कर ले तो फिलहाल वह मुंबई में रहती है। इन्होंने अपनी शिक्षा उत्तर प्रदेश में ही प्राप्त किया और वह सिर्फ जो इंटरमीडिएट तक ही पढ़ाई की है। उसके बाद इन्होंने अपनी डांसिंग और अपनी फिल्मी दुनिया से रिश्ता जोड़ लिया। इसके बाद इन्होंने कई सारी फिल्मों में काम किया है और उनको कई बहुत सारी फिल्में मिली भी थी और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इनको मिल रहा था फिल्मी दुनिया में। दोस्तों भोजपुरी में इनके बहुत ज़्यादा फैंस बन चुके थे और ऐसे में आकांक्षा दुबे का एक दिल दहला देने वाला खबर आया था 2 दिन पहले और वो था कि इन्होंने अपने आप को फांसी लटका के मार दिया। तो दोस्तों ये एक दुखद घटना है। तो फैंस उम्मीद करता हूँ कि आकांक्षा दुबे के बारे में आपका क्या ख्याल है आप मुझे नीचे। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AK मूवी फैक्ट पे और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसका आप लोगों का बहुत लंबे समय से इंतजार था। या दोस्तों आपको
आपको बता दें, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भोजपुरी फिल्म सासू जी तूने कदर न जाने के बारे में। यह गाइस आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये फिल्म कब रिलीज होगी और दोस्तों इसी के साथ इस फिल्म की शूटिंग क्या समाप्त हो पाई है या नहीं, इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म के अधिकार कौन से टीवी चैनल को बेचा गया है या फिर कौन से यूट्यूब चैनल को बेचा गया है, यहाँ दोस्तों जिसकी वजह से आप लोग को ये पता चल जाएगा कि ये फिल्म आपको सबसे पहले कौन से टीवी चैनल पे देखने को मिलेगा या फिर कौन से यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे इस फिल्म की हीरो कौन है, फिल्म की हीरोइन कौन है, फिल्म के राइटर कौन है और फिल्म के डायरेक्टर कौन है, सब चीजों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो फैंस से वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से बात करते हैं सासू जी तूने कदर ना जाने फिल्म के बारे में। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी के रिलीज डेट के बारे में। तो बता दे दोस्तों इस फिल्म को 3 अगस्त बुधवार को रिलीज किया जाएगा बी फॉर यू यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पे आपको अच्छी अच्छी भोजपुरी फिल्म देखने को मिलता है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सासू जी तूने कदर न जाने के बारे में। बता दे दोस्तों सासू जी तूने कदर न जाने अपकमिंग भोजपुरी फिल्म है जिसे बी फॉर यू मोशन एंड एसएस विद हाई आईक्यू ईएनटी के बैनर के तले बनाया जा रहा है जिसके निर्देशक है अजय कुमार झा और निर्माता के बारे में हम बात कर ले तो संदीप सिंह है और अरविंद कुमार अग्रवाल इस मूवी में लीड रोल में नजर आने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों फिल्म के हीरो के बारे में हम बात कर ले तो आदित्य ओझा फिल्म के हीरो होने वाले हैं। फिल्म की हीरोइन के बारे में हम बात कर ले तो संचिता बनर्जी फिल्म की हीरोइन होने वाली है। दूसरे प्रमुख कलाकारों के बारे में हम बात कर ले तो उनमें प्रमुख जो है संतोष श्रीवास्तव, निधि सिंह, उनके अलावा सीनियर मिश्री और रिंकू भारती इस फिल्म में काफी अच्छी रोल में नजर आने वाली है, जो सास के रोल में इस फिल्म में नजर आने वाली है रिंकू भारती। जी हाँ फैंस, सासू जी तूने कदर न जानी ये एक ड्रामा फिल्म है, फैमिली मूवी है। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों फिल्म के ट्रेलर के बारे में हम बात करें तो फिल्म के ट्रेलर में हमें देखने को मिला है कि सासू जी तूने कदर न जाने में जो हीरो की माँ है वो अपनी बहू के लिए तरस रही होती है। जब उनका बेटा का विवाह होता है तो उनके घर में एक बहुत ही खूबसूरत बहू आती है। बहू के आने के बाद वो सोचती है कि जैसे उसने अपने मन में सोचा था, अपने सपना में सोचा था कि बहू जब आ जाएगी तो सारे घर के काम अकेले कर लेगी, जैसे कि दोस्तों गांव घर में सोचा जाता है और सारा बोझ जो है बहू के ऊपर डाल दिया जाता है। तो कुछ इसी तरह की कहानी इस फिल्म में हमें देखने को मिलता है। यहाँ फ्रेंड्स अगर बात की जाए फिल्म के डायरेक्टर के बारे में तो अजय कुमार झा ने फिल्म को डायरेक्ट किया। फिल्म की प्रोड्यूसर के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म को दो लोगों ने प्रोड्यूस किया, सबसे पहले संदीप सिंह, उनके अलावा अरविंद कुमार अग्रवाल इस फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं। स्टोरी लेखक के बारे में हम बात कर ले तो अरविंद तिवारी जी फिल्म की कहानी को लिखे हैं। म्यूजिक के बारे में हम बात कर ले तो ओम झा ने इस फिल्म के गाने को तैयार किए हैं। लिरिक्स के बारे में हम बात कर ले तो अरविंद तिवारी जी ने गाने को लिखे हैं। कोरियोग्राफर के बारे में हम बात कर ले तो परवीन सलार ने कोरियोग्राफ किया है फिल्म को। जी हाँ फैंस, सासू जी तूने कदर ना जाने फिल्म में आपको एक अच्छी कहानी देखने को मिलेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि इसमें आपको अश्लील सीन देखने को मिलेगा। बता दें दोस्तों फिल्म बहुत जल्द रिलीज होगी। फिल्म के ट्रेलर अभी तक आपने नहीं देखा है तो बी फॉर यू भोजपुरी चैनल पे इस फिल्म के ट्रेलर को रिलीज किया गया है, वहां पे जाके फिल्म के ट्रेलर को आप देख सकते हैं। बात की जाए फिल्म की हीरोइन के बारे में तो संचिता बनर्जी का किरदार इस फिल्म में एक गृहिणी के रूप में देखने को मिलेगा। जहां दोस्तों वो अपने सास से परेशान हो जाती है क्योंकि जब उनका विवाह होता है तो उनकी सास उनके पीछे ही पड़े रहती है काम करने के लिए। और दोस्तों उनकी सास का ये कहना है कि तुम जल्दी उठो, जल्दी से खाना बनाओ और सभी को खिलाओ, इसके बाद खुद खाओ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि संचिता बनर्जी को पता नहीं होता है कि विवाह होने के बाद क्या होगा गांव में, क्योंकि दोस्तों संचिता बनर्जी फिल्म के अंदर शहर से बिलोंग करती है और आदित्य ओझा के बारे में हम बात कर ले तो आदित्य ओझा गाँव से बिलोंग करते हैं। लेकिन दोस्तों आदित्य ओझा का किरदार इस फिल्म में सिर्फ एक पति का है, साफ सुथरा पति का, जो एक हीरो के किरदार में इनका किरदार के बारे में हम बात कर ले तो ठीक ठाक हमें देखने को मिला ट्रेलर के अंदर। जैसे कि दोस्तों एक आम पति होता है जो अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता है, अपने घर में लाके रख देता है, फिर काम पे चला जाता है,
इसी तरह का सीन इस फिल्म में हमें देखने को मिला है, क्योंकि आदित्य ओझा का विवाह होने के बाद संचिता बनर्जी और आदित्य ओझा घर पे आते हैं। उसके बाद आदित्य ओझा बाहर चले जाते हैं, फिर उनकी माँ सब कुछ देखभाल करती है। आदित्य ओझा की माँ इसमें रिंकू भारती है। रिंकू भारती का अपने सास अपनी बहू के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा भी देखने को मिलता है, यानी कि कुछ खाना में गड़बड़ हो जाना, फिर पहले सबसे उठ के खा लेना, ये सब चीज़ें जो है इस फिल्म में रिंकू भारती को कुछ पसंद नहीं आता है। तो ये कहानी आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक नॉर्मल कहानी है जो गांव की कहानी को लेकर बनाया गया है। फिल्म में कोई भी अश्लील सीन हमें देखने को नहीं मिलता है। अगर बात करें कि ये फिल्म पारिवारिक है या नहीं, तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि ये एक शुद्ध पारिवारिक फिल्म है। फिल्म के गाने के बारे में हम बात करें तो गाने भी काफ़ी अच्छे हैं, फिल्म के गाने भी ठीक ठाक हमें देखने को मिलता है। वैसे दोस्तों भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में हम बात करें तो भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसे कई सारी फिल्में साल में रिलीज होती है जिसमें बहुत सारे अश्लील सीन भर दिए जाते हैं, जो ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और बहुत ऐसे ऑडियंस जिनको अच्छा भी लगता है। लेकिन दोस्तों क्या अश्लील सीन के बगैर फिल्में नहीं बनाई जा सकती? तो मेरा ये कहना है कि अश्लील सीन के बगैर भी फिल्में बनाई जा सकती है और फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स भी देखने को मिलेगा, जैसे कि पहले जमाने में हुआ करता था। लेकिन दोस्तों बीच में भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा कचरा हो गया था, क्योंकि बहुत ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने बिल्कुल गंद फैला दी थी और बहुत ऐसे ऐसे अश्लील गानों को निकाल दिया, जिसकी वजह से ऑडियंस जो है फिल्म को देखना ही बंद कर दिया था। लेकिन दोस्तों वापस से भोजपुरी की तरफ ऑडियंस जो है लौट रही है, भोजपुरी फिल्म को पसंद करने लग गई है, जैसे कि इस फिल्म को देखने के लिए लोग बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी भोजपुरी फिल्म सासू जी तूने कदर ना जानी को यूट्यूब पर देखना पसंद करते हो, तो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो में हम इस मूवी से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट को वीडियो में बता रहे हैं। सासू जी तूने कदर ना जानी फिल्म के रिलीज डेट के बारे में हम बात कर ले तो 3 अगस्त को इस फिल्म को यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जाएगा, बी4 यूट्यूब चैनल पे। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप भोजपुरी फिल्म को देखना पसंद करते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, भोजपुरी फिल्म की कहानी के बारे में हम बात कर ले तो कहानी सिर्फ यानी कि शॉर्ट में कहानी होती है, लेकिन भोजपुरी फिल्म के अंदर आपको एक चीज ज्यादा देखने को मिलेगा, वो है फिल्म के गाने। यानी कि जरूरत नहीं भी होती है, फिर भी आपको 6 या 7 या 10 गाने कम से कम एक भोजपुरी फिल्म में तो आपको देखने को मिलता है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें भोजपुरी फिल्म में ज़्यादा गाना होना ये आम बात है। ऐसे में दोस्तों भोजपुरी इंडस्ट्री के संचिता बनर्जी ने अपनी सोशल अकाउंट पे इस फिल्म का सबसे पहले प्रचार किया था। संचिता बनर्जी ने अपने सोशल मीडिया पर अपनी आने वाली फिल्म सासू जी तूने कदर ना जानी का फर्स्ट लुक जारी किया था और सभी को बताया था। फिल्म के फर्स्ट लुक के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों फर्स्ट लुक को लोग बहुत ज़्यादा पसंद किए और एक्टर संचिता बनर्जी भोजपुरी इंडस्ट्री के पॉपुलर चेहरों में से एक मानी जाती है। उन्होंने दोस्तों भोजपुरी के कई बड़े स्टार के साथ काम किया है। उनकी एक्टिंग के बारे में हम बात करें तो दर्शकों को खूब ज़्यादा उनकी एक्टिंग पसंद आती है। हर किसी की नज़रों में एक्टर्स अपनी काबिलियत के बदौलत छाई हुई है। अपनी इस आने वाली फिल्म में एक्टर संचिता बनर्जी आदित्य ओझा के साथ नजर आने वाली है। पोस्टर में एक कॉमेडी ड्रामा का वादा किया गया है, जिसमें बनर्जी संचिता एक गृहिणी की भूमिका निभाती हुई नजर आएंगी। और दोस्तों उन्होंने पोस्टर करते हुए ये बताया है कि ये फिल्म बहुत जल्द रिलीज होने के लिए आ रही है। वैसे में दोस्तों आपको बता दे सासू जी तूने कदर ना जानी अजय कुमार झा द्वारा निर्देशित की गई है, जबकि संदीप सिंह और अरविंद कुमार अग्रवाल द्वारा निर्मित किया गया है। इस फिल्म के अंदर किरण यादव, संतोष श्रीवास्तव, रिंकू भारती और मनोज सिंह भी नजर आने वाले हैं। इसके अलावा संचिता बनर्जी के पास वैष्णी में बाबूजी के आशीर्वाद और 5 महारिया जैसी कई फिल्में हैं, जिनमें किशन राय, गार्गी पंडित, कनक पांडे, निशा दुबे और प्राची सिंह नजर आने वाली है। एक्टर्स ने जैसे ही अपने फिल्म का फर्स्ट लुक जारी किया, लोगों ने उस पर अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। हर किसी को उनके फिल्म का फर्स्ट लुक बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। हालांकि फिल्म को कितना प्यार मिलेगा ये तो रिलीज होने के बाद ही हम आपको बता सकते हैं। जी हाँ फैंस, क्योंकि दोस्तों रिलीज होने से पहले सभी प्रोड्यूसर का और सभी डायरेक्टर का यही कहना होता है कि हमने एक अच्छी कहानी को तैयार किया है, एक अच्छी कहानी बनाने की कोशिश की है, ये सभी का कहना है। लेकिन दोस्तों कहानी कितनी अच्छी है ये तो रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। यानी कि अगर आपने एक बिरयानी पका लिया और सभी को आप बता रहे कि ये बिरयानी बहुत ही स्वादिष्ट है, लेकिन दोस्तों जब तक आप खा के देखोगे नहीं, आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये बिरयानी कितनी स्वादिष्ट है और कितने लायक है। वैसे ही इस फिल्म के उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं कि जब तक आप इस फिल्म को देखोगे नहीं, आपको उतना कुछ ज्यादा समझ में आने वाला है नहीं। दोस्तों
इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं सासू जी तूने कदर न जानी भोजपुरी फिल्म को, जो बहुत जल्द यूट्यूब पे रिलीज होने आ रही है। वैसे में दोस्तों आपको बता दें, वैसे भोजपुरी फिल्में बहुत है, भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारी फिल्में अभी रिलीज होने वाली है। खेसारी लाल का फिल्म आने वाला है, साथ ही साथ अमरपाली दुबे का फिल्म आने वाला है, रहुआ का फिल्म आने वाला है, ऐसे बहुत से एक्टर्स हैं जिनकी फिल्म अभी बहुत जल्द आने वाली है साल 2023 के अंदर। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें, खेसारी लाल यादव का भी फिल्म 2023 में रिलीज हुआ है। साल 2023 में फरिश्ता फिल्म को रिलीज किया गया है। भोजपुरी फिल्म जगत में एक ही नाम की गूंज यानी कि सुनाई दे रही अभी, और वो है नाम कोई और नहीं बल्कि हिट जो है मशीन खेसारी लाल यादव का नाम अभी दिखाई दे रहा है। दोस्तों कहा जा रहा है कि रोजाना एक के बाद एक गाना इनका रिलीज होते जा रहा है और सबको अपना दीवाना बना रहे हैं। खेसारी लाल यादव की हालिया रिलीज भोजपुरी फिल्म फरिश्ता जो काफ़ी शानदार बॉक्स ऑफिस पे कमाई किया है। दोस्तों अगर हम इनके गाने के बारे में हम बात कर ले तो इनके गाने में खेसारी अपने माता पिता और भाइयों की सेवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका पागलपन ही इस गाने की जान है जो दर्शकों को इसे बार बार देखने पर मजबूर कर रहा है। इस गाने को वेब म्यूजिक के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पे रिलीज किया गया है। गाने में खेसारी के एक्सप्रेशन ने सभी का ध्यान अपनी तरफ जो खींचा, वहीं इसके अमित शुक्ला का सख्त रुख भी इसमें देखने को मिलता है। गाने में खेसारी कहते हैं कि हरदम माई बाप की सेवा में लागल रहेला, हरदम माई बाप की सेवा में लागल रहेला और एक दुनिया पागल कहेला। गाने को अब तक जो है 3 लाख के करीब व्यूज मिल चुके हैं, 37,000 से अधिक इसके लाइक मिल चुके हैं। इस गाने को खेसारी लाल यादव की फैन फॉलोइंग इतनी तगड़ी है कि वह किसी भी गाने या फिल्म को हिट कराने के लिए उनका नाम अभी काफ़ी हो चुका है। फरिश्ता इस समय आपको बता दें यूपी बिहार में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। फरिश्ता भोजपुरी फिल्म एक अच्छी कहानी की पारिवारिक फिल्म है। इस फिल्म में खेसारी लाल यादव एक पागल बेटे के रोल में नजर आ रहे हैं। इसके पिताजी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते फिल्म में और हमेशा उसको पागल कहकर नीचा दिखाते रहते हैं। इस गाने को सिंगर बबुआ विकास ने गाया है। वहीं इस गाने के लेखक के बारे में हम बात कर ले तो म्यूजिक कृष्णा बेदर्दी ने इस गाने को लिखा है। जी हाँ दोस्तों, गाने काफी शानदार लिखे हुए हैं। बता दें खेसारी लाल यादव जल्द ही नए अवतार में नजर आएंगे। अपकमिंग फिल्म वीर हनुमान में वह नजर आने वाले हैं। निर्माता रत्नाकर कुमार ने फिल्म की घोषणा करते हुए एक पोस्टर शेयर किया। पोस्टर जो है सिंदूर रंग के साथ बनाया गया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा है कि अनाउंसमेंट फिल्म जो है वीर हनुमान बीत के साथ खेसारी लाल फिर से वापसी कर रहे हैं। जहाँ दोस्तों इनका एक और ये फिल्म देखने में काफ़ी शानदार हमें और मज़ा आने वाला है। वैसे दोस्तों अगर आप खेसारी लाल यादव के फैन हो तो इस वीडियो में आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं भोजपुरी फिल्म सासू जी तूने कदर न जानी के बारे में, जिसको काफ़ी ज़्यादा सुर्खियाँ मिली है कि ये फिल्म कब तक रिलीज होगी। काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में ये फिल्म छाया हुआ है। वैसे में दोस्तों इस फिल्म के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा भी किया गया था 2022 से लेकर 2023 में। लोग इसको देखने के लिए यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, लेकिन ये फिल्म अभी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है। वैसे में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस मूवी को मैं भी अपलोड नहीं कर सकता, क्योंकि इस मूवी को अपलोड करने का अधिकार मुझे नहीं है और मेरे पास ये फिल्म है भी नहीं, क्योंकि आप लोग का बहुत ज़्यादा कमेंट तो आता रहता है कि सर आप अपने चैनल पे फिल्म को अपलोड कीजिए। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं कि मैं सिर्फ मूवी को रिव्यू कर सकता हूं, बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में ही बता सकता हूं। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं आकांक्षा दुबे के बारे में, जिनकी दुखद घटना ने सभी को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिया है, क्योंकि इनका एक रहस्यमय मौत हो गई जिसकी वजह से हमें कुछ भी नहीं पता चल पाया कि आकांक्षा दुबे को क्या हुआ था। तो इनका एक गाना रिलीज हुआ है, चलिए उस गाने के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें आकांक्षा दुबे एक भोजपुरी एक्ट्रेस है। मॉडलिंग और डांसर में इनका बहुत ज़्यादा शौक था, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत फेमस थी और उन्होंने ज़्यादातर भोजपुरी स्टार समर सिंह के साथ काम किया है। उनके बहुत सारे भोजपुरी गाने आ चुकी है जो कि लोगों ने बहुत पसंद किया है और इस वजह से इनके गाने वायरल भी बहुत ज़्यादा होते हैं। आज हम आकांक्षा दुबे के बारे में आप सभी को बताने जा रहे हैं। आकांक्षा दुबे मूल रूप से बहुत ज़्यादा इनकी भदोई उत्तर प्रदेश की रहने वाली है और उनके बारे में हम बात कर ले तो फिलहाल वह मुंबई में रहती है। इन्होंने अपनी शिक्षा उत्तर प्रदेश में ही प्राप्त किया और वह सिर्फ जो इंटरमीडिएट तक ही पढ़ाई की है। उसके बाद इन्होंने अपनी डांसिंग और अपनी फिल्मी दुनिया से रिश्ता जोड़ लिया। इसके बाद इन्होंने कई सारी फिल्मों में काम किया है और उनको कई बहुत सारी फिल्में मिली भी थी और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इनको मिल रहा था फिल्मी दुनिया में। दोस्तों भोजपुरी में इनके बहुत ज़्यादा फैंस बन चुके थे और ऐसे में आकांक्षा दुबे का एक दिल
दहला देने वाला खबर आया था 2 दिन पहले, और वो था कि इन्होंने अपने आप को फांसी लटका के मार दिया। तो दोस्तों ये एक दुखद घटना है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आकांक्षा दुबे के बारे में आपका क्या ख्याल है आप मुझे नीचे। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AK मूवी फैक्ट पे। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसका आप लोगों का बहुत लंबे समय से इंतजार था। यह दोस्तों आपको बता दें आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भोजपुरी फिल्म सासू जी तूने कदर न जाने के बारे में। यह गाइस आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये फिल्म कब रिलीज होगी और दोस्तों इसी के साथ इस फिल्म की शूटिंग क्या समाप्त हो पाई है या नहीं, इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म के अधिकार कौन से टीवी चैनल को बेचा गया है या फिर कौन से यूरोप चैनल को बेचा गया है, यह दोस्तों जिसकी वजह से आप लोग को ये पता चल जाएगा कि ये फिल्म आपको सबसे पहले कौन से टीवी चैनल पे देखने को मिलेगा या फिर कौन से यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे इस फिल्म की हीरो कौन है, फिल्म की हीरोइन कौन है, फिल्म के राइटर कौन है और फिल्म के डायरेक्टर कौन है, सब चीजों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी किए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो फैंस से वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से बात करते हैं सासू जी तूने कदर ना जाने फिल्म के बारे में। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी के रिलीज डेट के बारे में। तो बता दें दोस्तों इस फिल्म को 3 अगस्त बुधवार को रिलीज किया जाएगा बी फॉर यू यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पे आपको अच्छी अच्छी भोजपुरी फिल्म देखने को मिलता है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सासू जी तूने कदर न जाने के बारे में। बता दें दोस्तों सासू जी तूने कदर न जाने अपकमिंग भोजपुरी फिल्म है जिसे बी फॉर यू मोशन एंड SS विद हाई IQ ENT के बैनर के तले बनाया जा रहा है जिसके निर्देशक है अजय कुमार झा और निर्माता के बारे में हम बात कर ले तो संदीप सिंह है और अरविंद कुमार अग्रवाल इस मूवी में लीड रोल में नजर आने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों फिल्म के हीरो के बारे में हम बात कर ले तो आदित्य ओझा फिल्म के हीरो होने वाले हैं। फिल्म की हीरोइन के बारे में हम बात कर ले तो संचिता बनर्जी फिल्म की हीरोइन होने वाली है। दूसरे प्रमुख कलाकारों के बारे में हम बात कर ले तो उनमें प्रमुख जो है संतोष श्रीवास्तव, निधि सिंह, उनके अलावा सीनियर मिश्री और रिंकू भारती इस फिल्म में काफी अच्छी रोल में नजर आने वाली है, जो सास के रोल में इस फिल्म में नजर आने वाली है रिंकू भारती। जी हाँ फैंस, सासू जी तूने कदर न जानी ये एक ड्रामा फिल्म है, फैमिली मूवी है। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों फिल्म के ट्रेलर के बारे में हम बात करें तो फिल्म के ट्रेलर में हमें देखने को मिला है कि सासू जी तूने कदर न जाने में जो हीरो की माँ है वो अपनी बहू के लिए तरस रही होती है। जब उनका बेटा का विवाह होता है तो उनके घर में एक बहुत ही खूबसूरत बहू आती है। बहू के आने के बाद वो सोचती है कि जैसे उसने अपने मन में सोचा था, अपने सपना में सोचा था कि बहू जब आ जाएगी तो सारे घर के काम अकेले कर लेगी, जैसे कि दोस्तों गांव घर में सोचा जाता है और सारा बोझ जो है बहू के ऊपर डाल दिया जाता है। तो कुछ इसी तरह की कहानी इस फिल्म में हमें देखने को मिलता है। यहाँ फ्रेंड्स अगर बात की जाए फिल्म के डायरेक्टर के बारे में तो अजय कुमार झा ने फिल्म को डायरेक्ट किया। फिल्म की प्रोड्यूसर के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म को 2 लोगों ने प्रोड्यूस किया। सबसे पहले संदीप सिंह, उनके अलावा अरविंद कुमार अग्रवाल इस फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं। स्टोरी लेखक के बारे में हम बात कर ले तो अरविंद तिवारी जी फिल्म की कहानी को लिखे हैं। म्यूजिक के बारे में हम बात कर ले तो ओम झा ने इस फिल्म के गाने को तैयार किए हैं। लिरिक्स के बारे में हम बात कर ले तो अरविंद तिवारी जी ने गाने को लिखे हैं। कोरियोग्राफर के बारे में हम बात कर ले तो परवीन सलार ने कोरियोग्राफ किया है फिल्म को। जी हाँ फैंस, सासू जी तूने कदर ना जाने फिल्म में आपको एक अच्छी कहानी देखने को मिलेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि इसमें आपको अश्लील सीन देखने को मिलेगा। बता दें दोस्तों फिल्म बहुत जल्द रिलीज होगी। फिल्म के ट्रेलर अभी तक आपने नहीं देखा है तो बी फॉर यू भोजपुरी चैनल पे इस फिल्म के ट्रेलर को रिलीज किया गया है, वहां पे जाके फिल्म के ट्रेलर को आप देख सकते हैं। बात की जाए फिल्म की हीरोइन के बारे में तो संचिता बनर्जी का किरदार इस फिल्म में एक गृहिणी के रूप में देखने को मिलेगा। जहां दोस्तों वो अपने सास से परेशान हो जाती है क्योंकि जब उनका विवाह होता है तो उनकी सास उनके पीछे ही पड़े रहती है काम करने के लिए। और दोस्तों उनकी सास का ये कहना है कि तुम जल्दी उठो, जल्दी से खाना बनाओ और सभी को खिलाओ, इसके बाद खुद खाओ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि संचिता बनर्जी को पता नहीं होता है कि विवाह होने के बाद क्या होगा गांव में, क्योंकि दोस्तों संचिता बनर्जी फिल्म के अंदर शहर से बिलोंग करती है और आदित्य ओझा के बारे में हम बात कर ले तो आदित्य ओझा गांव से बिलोंग करते हैं। लेकिन दोस्तों आदित्य ओझा का किरदार इस फिल्म में सिर्फ एक पति का है, साफ सुथरा पति का, जो एक हीरो के किरदार में इनका किरदार के बारे में हम बात कर ले तो ठीक ठाक हमें देखने को मिला है ट्रेलर के अंदर। जैसे कि दोस्तों एक आम पति होता है जो अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता है, अपने घर लाके रख देता है, फिर काम पे चला जाता है।
इसी तरह का सीन इस फिल्म में हमें देखने को मिला है, क्योंकि आदित्य ओझा का विवाह होने के बाद संचिता बनर्जी और आदित्य ओझा घर पे आते हैं। उसके बाद आदित्य ओझा बाहर चले जाते हैं, फिर उनकी माँ सब कुछ देखभाल करती है। आदित्य ओझा की माँ इसमें रिंकू भारती है। रिंकू भारती का अपने सास अपनी बहू के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा भी देखने को मिलता है, यानी कि कुछ खाना में गड़बड़ हो जाना, फिर पहले सबसे उठ के खा लेना, ये सब चीज़ें जो है इस फिल्म में रिंकू भारती को कुछ पसंद नहीं आता है। तो ये कहानी आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक नॉर्मल कहानी है जो गांव की कहानी को लेकर बनाया गया है। फिल्म में कोई भी अश्लील सीन हमें देखने को नहीं मिलता है। अगर बात करें कि ये फिल्म पारिवारिक है या नहीं, तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि ये एक शुद्ध पारिवारिक फिल्म है। फिल्म के गाने के बारे में हम बात करें तो गाने भी काफी अच्छे हैं, फिल्म के गाने भी ठीक ठाक हमें देखने को मिलता है। वैसे दोस्तों भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में हम बात करें तो भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसे कई सारी फिल्में साल में रिलीज होती है जिसमें बहुत सारे अश्लील सीन भर दिए जाते हैं, जो ऑडियंस को काफी ज्यादा बुरा लगता है और बहुत ऐसे ऑडियंस जिनको अच्छा भी लगता है। लेकिन दोस्तों क्या अश्लील सीन के बगैर फिल्में नहीं बनाई जा सकती? तो मेरा ये कहना है कि अश्लील सीन के बगैर भी फिल्में बनाई जा सकती है और फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स भी देखने को मिलेगा, जैसे कि पहले जमाने में हुआ करता था। लेकिन दोस्तों बीच में भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा कचरा हो गया था, क्योंकि बहुत ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने बिल्कुल गंद फैला दी थी और बहुत ऐसे ऐसे अश्लील गानों को निकाल दिया, जिसकी वजह से ऑडियंस जो है फिल्म को देखना ही बंद कर दिया था। लेकिन दोस्तों वापस से भोजपुरी की तरफ ऑडियंस जो है लौट रही है, भोजपुरी फिल्म को पसंद करने लग गई है, जैसे कि इस फिल्म को देखने के लिए लोग बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी भोजपुरी फिल्म सासू जी तूने कदर ना जानी को यूट्यूब पर देखना पसंद करते हो, तो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो में हम इस मूवी से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट को वीडियो में बता रहे हैं। सासू जी तूने कदर ना जानी फिल्म के रिलीज डेट के बारे में हम बात कर ले तो 3 अगस्त को इस फिल्म को यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जाएगा, बी4 यूट्यूब चैनल पे। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप भोजपुरी फिल्म को देखना पसंद करते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बतला सकते हैं। जी हाँ फैंस, भोजपुरी फिल्म की कहानी के बारे में हम बात कर ले तो कहानी सिर्फ यानी कि शॉर्ट में कहानी होती है, लेकिन भोजपुरी फिल्म के अंदर आपको एक चीज ज्यादा देखने को मिलेगा, वो है फिल्म के गाने। यानी कि जरूरत नहीं भी होती है, फिर भी आपको 6 या 7 या 10 गाने कम से कम एक भोजपुरी फिल्म में तो आपको देखने को मिलता है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें भोजपुरी फिल्म में ज़्यादा गाना होना ये आम बात है। ऐसे में दोस्तों भोजपुरी इंडस्ट्री के संचिता बनर्जी ने अपनी सोशल अकाउंट पे इस फिल्म का सबसे पहले प्रचार किया था। संचिता बनर्जी ने अपने सोशल मीडिया पर अपनी आने वाली फिल्म सासू जी तूने कदर ना जानी का फर्स्ट लुक जारी किया था और सभी को बताया था। फिल्म के फर्स्ट लुक के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों फर्स्ट लुक को लोग बहुत ज़्यादा पसंद किए और एक्टर संचिता बनर्जी भोजपुरी इंडस्ट्री के पॉपुलर चेहरों में से एक मानी जाती है। उन्होंने दोस्तों भोजपुरी के कई बड़े स्टार के साथ काम किया है। उनकी एक्टिंग के बारे में हम बात करें तो दर्शकों को खूब ज़्यादा उनकी पसंद आती है। हर किसी की नजरों में एक्टर्स अपनी काबिलियत के बदौलत छाई हुई है। अपनी इस आने वाली फिल्म में एक्टर संचिता बनर्जी आदित्य ओझा के साथ नजर आने वाली है। पोस्टर में एक कॉमेडी ड्रामा का वादा किया गया है, जिसमें बनर्जी संचिता एक गृहिणी की भूमिका निभाती हुई नजर आएंगी। और दोस्तों उन्होंने पोस्टर करते हुए ये बताया है कि ये फिल्म बहुत जल्द रिलीज होने के लिए आ रही है। वैसे में दोस्तों आपको बता दे सासू जी तूने कदर न जानी अजय कुमार झा द्वारा निर्देशित की गई है, जबकि संदीप सिंह और अरविंद कुमार अग्रवाल द्वारा निर्मित किया गया है। इस फिल्म के अंदर किरण यादव, संतोष श्रीवास्तव, रिंकू भारती और मनोज सिंह भी नजर आने वाले हैं। इसके अलावा संचिता बनर्जी के पास वैष्णी में बाबूजी के आशीर्वाद और 5 महारिया जैसी कई फिल्में हैं, जिनमें किशन राय, गार्गी पंडित, कनक पांडे, निशा दुबे और प्राची सिंह नजर आने वाली है। एक्टर्स ने जैसे ही अपने फिल्म का फर्स्ट लुक जारी किया, लोगों ने उस पर अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। हर किसी को उनके फिल्म का फर्स्ट लुक बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। हालांकि फिल्म को कितना प्यार मिलेगा ये तो रिलीज होने के बाद ही हम आपको बता सकते हैं। जी हाँ फैंस, क्योंकि दोस्तों रिलीज होने से पहले सभी प्रोड्यूसर का और सभी डायरेक्टर का यही कहना होता है कि हमने एक अच्छी कहानी को तैयार किया है, एक अच्छी कहानी बनाने की कोशिश की है, ये सभी का कहना है। लेकिन दोस्तों कहानी कितनी अच्छी है ये तो रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। यानी कि अगर आपने एक बिरयानी पका लिया और सभी को आप बता रहे कि ये बिरयानी बहुत ही स्वादिष्ट है, लेकिन दोस्तों जब तक आप खा के देखोगे नहीं, आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये बिरयानी कितनी स्वादिष्ट है और कितने लायक है। वैसे ही इस फिल्म के उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं कि जब तक आप इस फिल्म को देखोगे नहीं, आपको उतना कुछ ज्यादा समझ में आने वाला है नहीं। दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे सासू जी तूने कदर न जानी
पुरानी भोजपुरी फिल्म को जो बहुत जल्द यूट्यूब पे रिलीज होने आ रही है। वैसे मैं दोस्तों आपको बता दें, वैसे भोजपुरी फिल्म में बहुत है, भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारी फिल्में अभी रिलीज होने वाली है। खेसारी लाल का फिल्म आने वाला है, साथ ही साथ अमरपाली दुबे का फिल्म आने वाला है, रहुआ का फिल्म आने वाला है, ऐसे बहुत से एक्टर्स हैं जिनकी फिल्म अभी बहुत जल्द आने वाली है साल 2023 के अंदर। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें, खेसारी लाल यादव का भी फिल्म 2023 में रिलीज हुआ है। साल 2023 में फरिश्ता फिल्म को रिलीज किया गया है। भोजपुरी फिल्म जगत में एक ही नाम की गूंज यानी कि सुनाई दे रही अभी, और वो है नाम कोई और नहीं बल्कि हिट जो है मशीन खेसारी लाल यादव का नाम अभी दिखाई दे रहा है। दोस्तों कहा जा रहा है कि रोजाना एक के बाद एक गाना इनका रिलीज होते जा रहा है और सबको अपना दीवाना बना रहे हैं। खेसारी लाल यादव की हालिया रिलीज भोजपुरी फिल्म फरिश्ता जो काफ़ी शानदार बॉक्स ऑफिस पे कमाई किया है। दोस्तों अगर हम इनके गाने के बारे में हम बात कर ले तो इनके गाने में खेसारी अपने माता पिता और भाइयों की सेवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका पागलपन ही इस गाने की जान है जो दर्शकों को इसे बार बार देखने पर मजबूर कर रहा है। इस गाने को वेब म्यूजिक के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पे रिलीज किया गया है। गाने में खेसारी के एक्सप्रेशन ने सभी का ध्यान अपनी तरफ जो खींचा, वहीं इसके अमित शुक्ला का सख्त रुख भी इसमें देखने को मिलता है। गाने में खेसारी कहते हैं कि हरदम माई बाप की सेवा में लागल रहेला, हरदम माई बाप की सेवा में लागल रहेला और एक दुनिया पागल कहेला। गाने को अब तक जो है 3 लाख के करीब व्यूज मिल चुके हैं, 37,000 से अधिक इसके लाइक मिल चुके हैं। इस गाने को खेसारी लाल यादव की फैन फॉलोइंग इतनी तगड़ी है कि वह किसी भी गाने या फिल्म को हिट कराने के लिए उनका नाम अभी काफ़ी हो चुका है। फरिश्ता इस समय आपको बता दें यूपी बिहार में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। फरिश्ता भोजपुरी फिल्म एक अच्छी कहानी की पारिवारिक फिल्म है। इस फिल्म में खेसारी लाल यादव एक पागल बेटे के रोल में नजर आ रहे हैं। इसके पिताजी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते फिल्म में और हमेशा उसको पागल कहकर नीचा दिखाते रहते हैं। इस गाने को सिंगर बबुआ विकास ने गाया है। वहीं इस गाने के लेखक के बारे में हम बात कर ले तो म्यूजिक कृष्णा बेदर्दी ने इस गाने को लिखा है। जी हाँ दोस्तों, गाने काफ़ी शानदार लिखे हुए हैं। बता दें खेसारी लाल यादव जल्द ही नए अवतार में नजर आएंगे। अपकमिंग फिल्म वीर हनुमान में वह नजर आने वाले हैं। निर्माता रत्नाकर कुमार ने फिल्म की घोषणा करते हुए एक पोस्टर शेयर किया। पोस्टर जो है सिंदूर रंग के साथ बनाया गया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा है कि अनाउंसमेंट फिल्म जो है वीर हनुमान बीट के साथ खेसारी लाल फिर से वापसी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इनका एक और ये फिल्म देखने में काफ़ी शानदार हमें और मज़ा आने वाला है। वैसे दोस्तों अगर आप खेसारी लाल यादव के फैन हो तो इस वीडियो में आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें, इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं भोजपुरी फिल्म सासू जी तूने कदर न जानी के बारे में, जिसको काफ़ी ज़्यादा सुर्खियाँ मिली है कि ये फिल्म कब तक रिलीज होगी। काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में ये फिल्म छाया हुआ है। वैसे में दोस्तों इस फिल्म के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा भी किया गया था 2022 से लेकर 2023 में। लोग इसको देखने के लिए यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, लेकिन ये फिल्म अभी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है। वैसे में दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इस मूवी को मैं भी अपलोड नहीं कर सकता, क्योंकि इस मूवी को अपलोड करने का अधिकार मुझे नहीं है और मेरे पास ये फिल्म है भी नहीं, क्योंकि आप लोग का बहुत ज़्यादा कॉमेंट तो आता रहता है कि सर आप अपने चैनल पर फिल्म को अपलोड कीजिए। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूँ कि मैं सिर्फ मूवी को रिव्यू कर सकता हूँ, बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में ही बता सकता हूँ। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं आकांक्षा दुबे के बारे में, जिनकी दुखद घटना ने सभी को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिया है, क्योंकि इनका एक रहस्यमय मौत हो गई जिसकी वजह से हमें कुछ भी नहीं पता चल पाया कि आकांक्षा दुबे को क्या हुआ था। तो इनका एक गाना रिलीज हुआ है, चलिए उस गाने के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें, आकांक्षा दुबे एक भोजपुरी एक्ट्रेस है। मॉडलिंग और डांसर में इनका बहुत ज़्यादा शौक था, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत फेमस थी और उन्होंने ज़्यादातर भोजपुरी स्टार समर सिंह के साथ काम किया है। उनके बहुत सारे भोजपुरी गाने आ चुकी है जो कि लोगों ने बहुत पसंद किया है और इस वजह से इनके गाने वायरल भी बहुत ज़्यादा होते हैं। आज हम आकांक्षा दुबे के बारे में आप सभी को बताने जा रहे हैं। आकांक्षा दुबे मूल रूप से बहुत ज़्यादा यानी कि भदोई उत्तर प्रदेश की रहने वाली है और उनके बारे में हम बात कर ले तो फिलहाल वह मुंबई में रहती है। इन्होंने अपनी शिक्षा उत्तर प्रदेश में ही प्राप्त किया और वह सिर्फ जो इंटरमीडिएट तक ही पढ़ाई की है। उसके बाद इन्होंने अपनी डांसिंग और अपनी फिल्मी दुनिया से रिश्ता जोड़ लिया। इसके बाद इन्होंने कई सारी फिल्मों में काम किया है और उनको कई बहुत सारी फिल्में मिली भी थी
और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इनको मिल रहा था फिल्मी दुनिया में। दोस्तों भोजपुरी में इनके बहुत ज्यादा फैंस बन चुके थे और ऐसे में आकांक्षा दुबे का एक दिल दहला देने वाला खबर आया था 2 दिन पहले, और वो था कि इन्होंने अपने आप को फांसी लटका के मार दिया। तो दोस्तों ये एक दुखद घटना है। तो फैंस उम्मीद करता हूँ कि आकांक्षा दुबे के बारे में आपका क्या ख्याल है आप मुझे नीचे। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AK मूवी फैक्ट पे। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसका आप लोगों का बहुत लंबे समय से इंतजार था। यह दोस्तों आपको बता दें आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भोजपुरी फिल्म सासू जी तूने कदर न जाने के बारे में। यह गाइस आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये फिल्म कब रिलीज होगी और दोस्तों इसी के साथ इस फिल्म की शूटिंग क्या समाप्त हो पाई है या नहीं, इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म के अधिकार कौन से टीवी चैनल को बेचा गया है या फिर कौन से यूट्यूब चैनल को बेचा गया है, यह दोस्तों जिसकी वजह से आप लोग को ये पता चल जाएगा कि ये फिल्म आपको सबसे पहले कौन से टीवी चैनल पे देखने को मिलेगा या फिर कौन से यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे इस फिल्म की हीरो कौन है, फिल्म की हीरोइन कौन है, फिल्म के राइटर कौन है और फिल्म के डायरेक्टर कौन है, इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी किए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो फैंस से वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से बात करते हैं सासू जी तूने कदर ना जाने फिल्म के बारे में। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी के रिलीज डेट के बारे में। तो बता दे दोस्तों इस फिल्म को 3 अगस्त बुधवार को रिलीज किया जाएगा बी फॉर यू यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पे आपको अच्छी अच्छी भोजपुरी फिल्म देखने को मिलता है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सासू जी तूने कदर ना जाने के बारे में। बता दे दोस्तों सासू जी तूने कदर न जाने अपकमिंग भोजपुरी फिल्म है जिसे बी फॉर यू मोशन एंड SS विद हाई IQ ENT के बैनर के तले बनाया जा रहा है जिसके निर्देशक है अजय कुमार झा और निर्माता के बारे में हम बात कर ले तो संदीप सिंह है और अरविंद कुमार अग्रवाल इस मूवी में लीड रोल में नजर आने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों फिल्म के हीरो के बारे में हम बात कर ले तो आदित्य ओझा फिल्म के हीरो होने वाले हैं। फिल्म की हीरोइन के बारे में हम बात कर ले तो संचिता बनर्जी फिल्म की हीरोइन होने वाली है। दूसरे प्रमुख कलाकारों के बारे में हम बात कर ले तो उनमें प्रमुख जो है संतोष श्रीवास्तव, निधि सिंह, उनके अलावा सीनियर मिश्री और रिंकू भारती इस फिल्म में काफी अच्छी रोल में नजर आने वाली है, जो सास के रोल में इस फिल्म में नजर आने वाली है रिंकू भारती। जी हाँ फ्रेंड्स, सासू जी तूने कदर न जानी ये एक ड्रामा फिल्म है, फैमिली मूवी है। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों फिल्म के ट्रेलर के बारे में हम बात करें तो फिल्म के ट्रेलर में हमें देखने को मिला है कि सासू जी तूने कदर न जाने में जो हीरो की माँ है वो अपनी बहू के लिए तरस रही होती है। जब उनका बेटा का विवाह होता है तो उनके घर में एक बहुत ही खूबसूरत बहू आती है। बहू के आने के बाद वो सोचती है कि जैसे उसने अपने मन में सोचा था, अपने सपना में सोचा था कि बहू जब आ जाएगी तो सारे घर के काम अकेले कर लेगी, जैसे कि दोस्तों गांव घर में सोचा जाता है और सारा बोझ जो है बहू के ऊपर डाल दिया जाता है। तो कुछ इसी तरह की कहानी इस फिल्म में हमें देखने को मिलता है। यहाँ फ्रेंड्स अगर बात की जाए फिल्म के डायरेक्टर के बारे में तो अजय कुमार झा ने फिल्म को डायरेक्ट किया। फिल्म की प्रोड्यूसर के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म को 2 लोगों ने प्रोड्यूस किया। सबसे पहले संदीप सिंह, उनके अलावा अरविंद कुमार अग्रवाल इस फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं। स्टोरी लेखक के बारे में हम बात कर ले तो अरविंद तिवारी जी फिल्म की कहानी को लिखे हैं। म्यूजिक के बारे में हम बात कर ले तो ओम झा ने इस फिल्म के गाने को तैयार किए हैं। लिरिक्स के बारे में हम बात कर ले तो अरविंद तिवारी जी ने गाने को लिखे हैं। कोरियोग्राफर के बारे में हम बात कर ले तो परवीन सलार ने कोरियोग्राफ किया है फिल्म को। जी हाँ फैंस, सासू जी तूने कदर ना जाने फिल्म में आपको एक अच्छी कहानी देखने को मिलेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि इसमें आपको अश्लील सीन देखने को मिलेगा। बता दें दोस्तों फिल्म बहुत जल्द रिलीज होगी। फिल्म के ट्रेलर अभी तक आपने नहीं देखा है तो बी फॉर यू भोजपुरी चैनल पे इस फिल्म के ट्रेलर को रिलीज किया गया है, वहां पे जाके फिल्म के ट्रेलर को आप देख सकते हैं। बात की जाए फिल्म की हीरोइन के बारे में तो संचिता बनर्जी का किरदार इस फिल्म में एक गृहिणी के रूप में देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, वो अपने सास से परेशान हो जाती है क्योंकि जब उनका विवाह होता है तो उनकी सास उनके पीछे ही पड़े रहती है काम करने के लिए। और दोस्तों उनकी सास का ये कहना है कि तुम जल्दी उठो, जल्दी से खाना बनाओ और सभी को खिलाओ, इसके बाद खुद खाओ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि संचिता बनर्जी को पता नहीं होता है कि विवाह होने के बाद क्या होगा गांव में, क्योंकि दोस्तों संचिता बनर्जी फिल्म के अंदर शहर से बिलोंग करती है। और आदित्य ओझा के बारे में हम बात कर ले तो आदित्य ओझा गांव से बिलोंग करते हैं। लेकिन दोस्तों आदित्य ओझा का किरदार इस फिल्म में सिर्फ एक पति का है, साफ सुथरा पति का, जो एक हीरो के किरदार में इनका किरदार के बारे में हम बात कर ले तो ठीक ठाक हमें देखने को मिला है ट्रेलर के अंदर। जैसे कि दोस्तों एक आम पति होता है जो अपनी
पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, अपने घर में ला के रख देता है, फिर काम पे चला जाता है। इसी तरह का सीन इस फिल्म में हमें देखने को मिला है, क्योंकि आदित्य ओझा का विवाह होने के बाद संचिता बनर्जी और आदित्य ओझा घर पे आते हैं। उसके बाद आदित्य ओझा बाहर चले जाते हैं, फिर उनकी माँ सब कुछ देखभाल करती है। आदित्य ओझा की माँ इसमें रिंकू भारती है। रिंकू भारती का अपने सास अपनी बहू के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा भी देखने को मिलता है, यानी कि कुछ खाना में गड़बड़ हो जाना, फिर पहले सबसे उठ के खा लेना, ये सब चीज़ें जो है इस फिल्म में रिंकू भारती को कुछ पसंद नहीं आता है। तो ये कहानी आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक नॉर्मल कहानी है जो गाँव की कहानी को लेकर बनाया गया। फिल्म में कोई भी अश्लील सीन हमें देखने को नहीं मिलता है। अगर बात करें कि ये फिल्म पारिवारिक है या नहीं, तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि ये एक शुद्ध पारिवारिक फिल्म है। फिल्म के गाने के बारे में हम बात करें तो गाने भी काफ़ी अच्छे हैं, फिल्म के गाने भी ठीक ठाक हमें देखने को मिलता है। वैसे दोस्तों भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में हम बात करें तो भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसे कई सारी फिल्में साल में रिलीज होती है जिसमें बहुत सारे अश्लील सीन भर दिए जाते हैं, जो ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और बहुत ऐसे ऑडियंस जिनको अच्छा भी लगता है। लेकिन दोस्तों क्या अश्लील सीन के बगैर फिल्में नहीं बनाई जा सकती? तो मेरा ये कहना है कि अश्लील सीन के बगैर भी फिल्में बनाई जा सकती है और फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स भी देखने को मिलेगा, जैसे कि पहले जमाने में हुआ करता था। लेकिन दोस्तों बीच में भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा कचरा हो गया था, क्योंकि बहुत ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने बिल्कुल गंद फैला दी थी और बहुत ऐसे ऐसे अश्लील गानों को निकाल दिया, जिसकी वजह से ऑडियंस जो है फिल्म को देखना ही बंद कर दिया था। लेकिन दोस्तों वापस से भोजपुरी की तरफ ऑडियंस जो है लौट रही है, भोजपुरी फिल्म को पसंद करने लग गई है, जैसे कि इस फिल्म को देखने के लिए लोग बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी भोजपुरी फिल्म सासू जी तूने कदर ना जानी को यूट्यूब पर देखना पसंद करते हो, तो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो में हम इस मूवी से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट को वीडियो में बता रहे हैं। सासू जी तूने कदर ना जानी फिल्म के रिलीज डेट के बारे में हम बात कर ले तो 3 अगस्त को इस फिल्म को यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जाएगा, बी4 यूट्यूब चैनल पे। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप भोजपुरी फिल्म को देखना पसंद करते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, भोजपुरी फिल्म की कहानी के बारे में हम बात कर ले तो कहानी सिर्फ यानी कि शॉर्ट में कहानी होती है, लेकिन भोजपुरी फिल्म के अंदर आपको एक चीज ज्यादा देखने को मिलेगा, वो है फिल्म के गाने। यानी कि जरूरत नहीं भी होती है, फिर भी आपको 6 या 7 या 10 गाने कम से कम एक भोजपुरी फिल्म में तो आपको देखने को मिलता है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें भोजपुरी फिल्म में ज़्यादा गाना होना ये आम बात है। ऐसे में दोस्तों भोजपुरी इंडस्ट्री के संचिता बनर्जी ने अपनी सोशल अकाउंट पे इस फिल्म का सबसे पहले प्रचार किया था। संचिता बनर्जी ने अपने सोशल मीडिया पर अपनी आने वाली फिल्म सासू जी तूने कदर ना जानी का फर्स्ट लुक जारी किया था और सभी को बताया था। फिल्म के फर्स्ट लुक के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों फर्स्ट लुक को लोग बहुत ज़्यादा पसंद किए और एक्टर संचिता बनर्जी भोजपुरी इंडस्ट्री के पॉपुलर चेहरों में से एक मानी जाती है। उन्होंने दोस्तों भोजपुरी के कई बड़े स्टार के साथ काम किया है। उनकी एक्टिंग के बारे में हम बात करें तो दर्शकों को खूब ज़्यादा उनकी एक्टिंग पसंद आती है। हर किसी की नज़रों में एक्टर्स अपनी काबिलियत के बदौलत छाई हुई है। अपनी इस आने वाली फिल्म में एक्टर संचिता बनर्जी आदित्य ओझा के साथ नजर आने वाली है। पोस्टर में एक कॉमेडी ड्रामा का वादा किया गया है, जिसमें बनर्जी संचिता एक गृहिणी की भूमिका निभाती हुई नजर आएंगी। और दोस्तों उन्होंने पोस्टर करते हुए ये बताया है कि ये फिल्म बहुत जल्द रिलीज होने के लिए आ रही है। वैसे में दोस्तों आपको बता दे सासू जी तूने कदर न जानी अजय कुमार झा द्वारा निर्देशित की गई है, जबकि संदीप सिंह और अरविंद कुमार अग्रवाल द्वारा निर्मित किया गया है। इस फिल्म के अंदर किरण यादव, संतोष श्रीवास्तव, रिंकू भारती और मनोज सिंह भी नजर आने वाले हैं। इसके अलावा संचिता बनर्जी के पास वैष्णी में बाबूजी के आशीर्वाद और 5 महारिया जैसी कई फिल्में हैं, जिनमें किशन राय, गार्गी पंडित, कनक पांडे, निशा दुबे और प्राची सिंह नजर आने वाली है। एक्टर्स ने जैसे ही अपने फिल्म का फर्स्ट लुक जारी किया, लोगों ने उस पर अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। हर किसी को उनके फिल्म का फर्स्ट लुक बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। हालांकि फिल्म को कितना प्यार मिलेगा ये तो रिलीज होने के बाद ही हम आपको बता सकते हैं। जी हाँ फैंस, क्योंकि दोस्तों रिलीज होने से पहले सभी प्रोड्यूसर का और सभी डायरेक्टर का यही कहना होता है कि हमने एक अच्छी कहानी को तैयार किया है, एक अच्छी कहानी बनाने की कोशिश की है, ये सभी का कहना है। लेकिन दोस्तों कहानी कितनी अच्छी है ये तो रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। यानी कि अगर आपने एक बिरयानी पका लिया और सभी को आप बता रहे कि ये बिरयानी बहुत ही स्वादिष्ट है, लेकिन दोस्तों जब तक आप खा के देखोगे नहीं, आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये बिरयानी कितनी स्वादिष्ट है और कितने लायक है। वैसे ही इस फिल्म के उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं कि जब तक आप इस फिल्म को देखोगे नहीं, आपको उतना कुछ ज्यादा समझ में आने वाला है नहीं। दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे सासू जी तूने कदर न जानी
पुरानी भोजपुरी फिल्म को जो बहुत जल्द यूट्यूब पे रिलीज होने आ रही है। वैसे मैं दोस्तों आपको बता दें, वैसे भोजपुरी फिल्में बहुत है, भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारी फिल्में अभी रिलीज होने वाली है। खेसारी लाल का फिल्म आने वाला है, साथ ही साथ अमरपाली दुबे का फिल्म आने वाला है, रहुआ का फिल्म आने वाला है, ऐसे बहुत से एक्टर्स हैं जिनकी फिल्म अभी बहुत जल्द आने वाली है साल 2023 के अंदर। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें, खेसारी लाल यादव का भी फिल्म 2023 में रिलीज हुआ है। साल 2023 में फरिश्ता फिल्म को रिलीज किया गया है। भोजपुरी फिल्म जगत में एक ही नाम की गूंज यानी कि सुनाई दे रही अभी, और वो है नाम कोई और नहीं बल्कि हिट जो है मशीन खेसारी लाल यादव का नाम अभी दिखाई दे रहा है। दोस्तों कहा जा रहा है कि रोजाना एक के बाद एक गाना इनका रिलीज होते जा रहा है और सबको अपना दीवाना बना रहे हैं। खेसारी लाल यादव की हालिया रिलीज भोजपुरी फिल्म फरिश्ता जो काफी शानदार बॉक्स ऑफिस पे कमाई किया है। दोस्तों अगर हम इनके गाने के बारे में हम बात कर ले तो इनके गाने में खेसारी अपने माता पिता और भाइयों की सेवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका पागलपन ही इस गाने की जान है जो दर्शकों को इसे बार बार देखने पर मजबूर कर रहा है। इस गाने को वेब म्यूजिक के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पे रिलीज किया गया है। गाने में खेसारी के एक्सप्रेशन ने सभी का ध्यान अपनी तरफ जो खींचा, वहीं इसके अमित शुक्ला का सख्त रुख भी इसमें देखने को मिलता है। गाने में खेसारी कहते हैं कि हरदम माई बाप की सेवा में लागल रहेला, हरदम माई बाप की सेवा में लागल रहेला और एक दुनिया पागल कहेला। गाने को अब तक जो है 3 लाख के करीब व्यूज मिल चुके हैं, 37,000 से अधिक इसके लाइक मिल चुके हैं। इस गाने को खेसारी लाल यादव की फैन फॉलोइंग इतनी तगड़ी है कि वह किसी भी गाने या फिल्म को हिट कराने के लिए उनका नाम अभी काफी हो चुका है। फरिश्ता इस समय आपको बता दें यूपी बिहार में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। फरिश्ता भोजपुरी फिल्म एक अच्छी कहानी की पारिवारिक फिल्म है। इस फिल्म में खेसारी लाल यादव एक पागल बेटे के रोल में नजर आ रहे हैं। इसके पिताजी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते फिल्म में और हमेशा उसको पागल कहकर नीचा दिखाते रहते हैं। इस गाने को सिंगर बबुआ विकास ने गाया है। वहीं इस गाने के लेखक के बारे में हम बात कर ले तो म्यूजिक कृष्णा बेदर्दी ने इस गाने को लिखा है। जी हाँ दोस्तों, गाने काफी शानदार लिखे हुए हैं। बता दें खेसारी लाल यादव जल्द ही नए अवतार में नजर आएंगे। अपकमिंग फिल्म वीर हनुमान में वह नजर आने वाले हैं। निर्माता रत्नाकर कुमार ने फिल्म की घोषणा करते हुए एक पोस्टर शेयर किया। पोस्टर जो है सिंदूर रंग के साथ बनाया गया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा है कि अनाउंसमेंट फिल्म जो है वीर हनुमान बीट के साथ खेसारी लाल फिर से वापसी कर रहे हैं। यहाँ दोस्तों इनका एक और ये फिल्म देखने में काफ़ी शानदार हमें और मज़ा आने वाला है। वैसे दोस्तों अगर आप खेसारी लाल यादव के फैन हो तो इस वीडियो में आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं भोजपुरी फिल्म सासू जी तूने कदर न जानी के बारे में, जिसको काफ़ी ज़्यादा सुर्खियाँ मिली है कि ये फिल्म कब तक रिलीज होगी। काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में ये फिल्म छाया हुआ है। वैसे में दोस्तों इस फिल्म के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा भी किया गया था 2022 से लेकर 2023 में। लोग इसको देखने के लिए यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, लेकिन ये फिल्म अभी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है। वैसे में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस मूवी को मैं भी अपलोड नहीं कर सकता, क्योंकि इस मूवी को अपलोड करने का अधिकार मुझे नहीं है और मेरे पास ये फिल्म है भी नहीं, क्योंकि आप लोग का बहुत ज़्यादा कमेंट तो आता रहता है कि सर आप अपने चैनल पे फिल्म को अपलोड कीजिए। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं कि मैं सिर्फ मूवी को रिव्यू कर सकता हूं, बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में ही बता सकता हूं। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं आकांक्षा दुबे के बारे में, जिनकी दुखद घटना ने सभी को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिया है, क्योंकि इनका एक रहस्यमय मौत हो गई जिसकी वजह से हमें कुछ भी नहीं पता चल पाया कि आकांक्षा दुबे को क्या हुआ था। तो इनका एक गाना रिलीज हुआ है, चलिए उस गाने के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें आकांक्षा दुबे एक भोजपुरी एक्ट्रेस है। मॉडलिंग और डांसर में इनका बहुत ज़्यादा शौक था, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत फेमस थी और उन्होंने ज़्यादातर भोजपुरी स्टार समर सिंह के साथ काम किया है। उनके बहुत सारे भोजपुरी गाने आ चुकी है जो कि लोगों ने बहुत पसंद किया है और इस वजह से इनके गाने वायरल भी बहुत ज़्यादा होते हैं। आज हम आकांक्षा दुबे के बारे में आप सभी को बताने जा रहे हैं। आकांक्षा दुबे मूल रूप से बहुत ज़्यादा यानी कि भदोई उत्तर प्रदेश की रहने वाली है और उनके बारे में हम बात कर ले तो फिलहाल वह मुंबई में रहती है। इन्होंने अपनी शिक्षा उत्तर प्रदेश में ही प्राप्त किया और वह सिर्फ जो इंटरमीडिएट तक ही पढ़ाई की है। उसके बाद इन्होंने अपनी डांसिंग और अपनी फिल्मी दुनिया से रिश्ता जोड़ लिया। इसके बाद इन्होंने कई सारी फिल्मों में काम किया है और उनको कई बहुत सारी फिल्में मिली भी थी और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इनको मिल रहा था फिल्मी दुनिया में। दोस्तों भोजपुरी में इनके बहुत ज़्यादा फैंस बन चुके थे और ऐसे में आकांक्षा दुबे का एक दिल
दहला देने वाला खबर आया था 2 दिन पहले, और वो था कि इन्होंने अपने आप को फांसी लटका के मार दिया। तो दोस्तों ये एक दुखद घटना है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आकांक्षा दुबे के बारे में आपका क्या ख्याल है आप मुझे नीचे। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AK मूवी फैक्ट पे। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसका आप लोगों का बहुत लंबे समय से इंतजार था। यह दोस्तों आपको बता दें आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भोजपुरी फिल्म सासू जी तूने कदर न जाने के बारे में। यह गाइस आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये फिल्म कब रिलीज होगी और दोस्तों इसी के साथ इस फिल्म की शूटिंग क्या समाप्त हो पाई है या नहीं, इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म के अधिकार कौन से टीवी चैनल को बेचा गया है या फिर कौन से यूरोप चैनल को बेचा गया है, यह दोस्तों जिसकी वजह से आप लोग को ये पता चल जाएगा कि ये फिल्म आपको सबसे पहले कौन से टीवी चैनल पे देखने को मिलेगा या फिर कौन से यूरोप चैनल पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे इस फिल्म की हीरो कौन है, फिल्म की हीरोइन कौन है, फिल्म के राइटर कौन है और फिल्म के डायरेक्टर कौन है, सब चीजों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी किए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो फैंस से वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से बात करते हैं सासू जी तूने कदर ना जाने फिल्म के बारे में। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी के रिलीज डेट के बारे में। तो बता दें दोस्तों इस फिल्म को 3 अगस्त बुधवार को रिलीज किया जाएगा बी फॉर यू यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पे आपको अच्छी अच्छी भोजपुरी फिल्म देखने को मिलता है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सासू जी तूने कदर न जाने के बारे में। बता दें दोस्तों सासू जी तूने कदर न जाने अपकमिंग भोजपुरी फिल्म है जिसे बी फॉर यू मोशन एंड SS विद हाई IQ ENT के बैनर के तले बनाया जा रहा है जिसके निर्देशक है अजय कुमार झा और निर्माता के बारे में हम बात कर ले तो संदीप सिंह है और अरविंद कुमार अग्रवाल इस मूवी में लीड रोल में नजर आने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों फिल्म के हीरो के बारे में हम बात कर ले तो आदित्य ओझा फिल्म के हीरो होने वाले हैं। फिल्म की हीरोइन के बारे में हम बात कर ले तो संचिता बनर्जी फिल्म की हीरोइन होने वाली है। दूसरे प्रमुख कलाकारों के बारे में हम बात कर ले तो उनमें प्रमुख जो है संतोष श्रीवास्तव, निधि सिंह, उनके अलावा सीनियर मिश्री और रिंकू भारती इस फिल्म में काफी अच्छी रोल में नजर आने वाली है, जो सास के रोल में इस फिल्म में नजर आने वाली है रिंकू भारती। जी हाँ फैंस, सासू जी तूने कदर न जानी ये एक ड्रामा फिल्म है, फैमिली मूवी है। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों फिल्म के ट्रेलर के बारे में हम बात करें तो फिल्म के ट्रेलर में हमें देखने को मिला है कि सासू जी तूने कदर न जाने में जो हीरो की माँ है वो अपनी बहू के लिए तरस रही होती है। जब उनका बेटा का विवाह होता है तो उनके घर में एक बहुत ही खूबसूरत बहू आती है। बहू के आने के बाद वो सोचती है कि जैसे उसने अपने मन में सोचा था, अपने सपना में सोचा था कि बहू जब आ जाएगी तो सारे घर के काम अकेले कर लेगी, जैसे कि दोस्तों गांव घर में सोचा जाता है और सारा बोझ जो है बहू के ऊपर डाल दिया जाता है। तो कुछ इसी तरह की कहानी इस फिल्म में हमें देखने को मिलता है। यहाँ फ्रेंड्स अगर बात की जाए फिल्म के डायरेक्टर के बारे में तो अजय कुमार झा ने फिल्म को डायरेक्ट किया। फिल्म की प्रोड्यूसर के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म को 2 लोगों ने प्रोड्यूस किया। सबसे पहले संदीप सिंह, उनके अलावा अरविंद कुमार अग्रवाल इस फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं। स्टोरी लेखक के बारे में हम बात कर ले तो अरविंद तिवारी जी फिल्म की कहानी को लिखे हैं। म्यूजिक के बारे में हम बात कर ले तो ओम झा ने इस फिल्म के गाने को तैयार किए हैं। लिरिक्स के बारे में हम बात कर ले तो अरविंद तिवारी जी ने गाने को लिखे हैं। कोरियोग्राफर के बारे में हम बात कर ले तो परवीन सलार ने कोरियोग्राफ किया है फिल्म को। जी हाँ फैंस, सासू जी तूने कदर ना जाने फिल्म में आपको एक अच्छी कहानी देखने को मिलेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि इसमें आपको अश्लील सीन देखने को मिलेगा। बता दें दोस्तों फिल्म बहुत जल्द रिलीज होगी। फिल्म के ट्रेलर अभी तक आपने नहीं देखा है तो बी फॉर यू भोजपुरी चैनल पे इस फिल्म के ट्रेलर को रिलीज किया गया है, वहाँ पे जाके फिल्म के ट्रेलर को आप देख सकते हैं। बात की जाए फिल्म की हीरोइन के बारे में तो संचिता बनर्जी का किरदार इस फिल्म में एक गृहिणी के रूप में देखने को मिलेगा। जहां दोस्तों वो अपने सास से परेशान हो जाती है क्योंकि जब उनका विवाह होता है तो उनकी सास उनके पीछे ही पड़े रहती है काम करने के लिए। और दोस्तों उनकी सास का ये कहना है कि तुम जल्दी उठो, जल्दी से खाना बनाओ और सभी को खिलाओ, इसके बाद खुद खाओ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि संचिता बनर्जी को पता नहीं होता है कि विवाह होने के बाद क्या होगा गांव में, क्योंकि दोस्तों संचिता बनर्जी फिल्म के अंदर शहर से बिलोंग करती है और आदित्य ओझा के बारे में हम बात कर ले तो आदित्य ओझा गांव से बिलोंग करते हैं। लेकिन दोस्तों आदित्य ओझा का किरदार इस फिल्म में सिर्फ एक पति का है, साफ सुथरा पति का, जो एक हीरो के किरदार में इनका किरदार के बारे में हम बात कर ले तो ठीक ठाक हमें देखने को मिला है ट्रेलर के अंदर। जैसे कि दोस्तों एक आम पति होता है जो अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता है, अपने घर में लाके रख देता है, फिर काम पे चला जाता है,
इसी तरह का सीन इस फिल्म में हमें देखने को मिला है, क्योंकि आदित्य ओझा का विवाह होने के बाद संचिता बनर्जी और आदित्य ओझा घर पे आते हैं। उसके बाद आदित्य ओझा बाहर चले जाते हैं, फिर उनकी माँ सब कुछ देखभाल करती है। आदित्य ओझा की माँ इसमें रिंकू भारती है। रिंकू भारती का अपने सास अपनी बहू के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा भी देखने को मिलता है, यानी कि कुछ खाना में गड़बड़ हो जाना, फिर पहले सबसे उठ के खा लेना, ये सब चीज़ें जो है इस फिल्म में रिंकू भारती को कुछ पसंद नहीं आता है। तो ये कहानी आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक नॉर्मल कहानी है जो गांव की कहानी को लेकर बनाया गया है। फिल्म में कोई भी अश्लील सीन हमें देखने को नहीं मिलता है। अगर बात करें कि ये फिल्म पारिवारिक है या नहीं, तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि ये एक शुद्ध पारिवारिक फिल्म है। फिल्म के गाने के बारे में हम बात करें तो गाने भी काफ़ी अच्छे हैं, फिल्म के गाने भी ठीक ठाक हमें देखने को मिलता है। वैसे दोस्तों भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में हम बात करें तो भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसे कई सारी फिल्में साल में रिलीज होती है जिसमें बहुत सारे अश्लील सीन भर दिए जाते हैं, जो ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और बहुत ऐसे ऑडियंस जिनको अच्छा भी लगता है। लेकिन दोस्तों क्या अश्लील सीन के बगैर फिल्में नहीं बनाई जा सकती? तो मेरा ये कहना है कि अश्लील सीन के बगैर भी फिल्में बनाई जा सकती है और फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स भी देखने को मिलेगा, जैसे कि पहले जमाने में हुआ करता था। लेकिन दोस्तों बीच में भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा कचरा हो गया था, क्योंकि बहुत ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने बिल्कुल गंद फैला दी थी और बहुत ऐसे ऐसे अश्लील गानों को निकाल दिया, जिसकी वजह से ऑडियंस जो है फिल्म को देखना ही बंद कर दिया था। लेकिन दोस्तों वापस से भोजपुरी की तरफ ऑडियंस जो है लौट रही है, भोजपुरी फिल्म को पसंद करने लग गई है, जैसे कि इस फिल्म को देखने के लिए लोग बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी भोजपुरी फिल्म सासू जी तूने कदर ना जानी को यूट्यूब पर देखना पसंद करते हो, तो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो में हम इस मूवी से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट को वीडियो में बता रहे हैं। सासू जी तूने कदर ना जानी फिल्म के रिलीज डेट के बारे में हम बात करें तो 3 अगस्त को इस फिल्म को यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जाएगा, यूट्यूब चैनल पे। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप भोजपुरी फिल्म को देखना पसंद करते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, भोजपुरी फिल्म की कहानी के बारे में हम बात कर ले तो कहानी सिर्फ यानी कि शॉर्ट में कहानी होती है, लेकिन भोजपुरी फिल्म के अंदर आपको एक चीज ज्यादा देखने को मिलेगा, वो है फिल्म के गाने। यानी कि जरूरत नहीं भी होती है, फिर भी आपको 6 या 7 या 10 गाने कम से कम एक भोजपुरी फिल्म में तो आपको देखने को मिलता है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें भोजपुरी फिल्म में ज़्यादा गाना होना ये आम बात है। ऐसे में दोस्तों भोजपुरी इंडस्ट्री के संचिता बनर्जी ने अपनी सोशल अकाउंट पे इस फिल्म का सबसे पहले प्रचार किया था। संचिता बनर्जी ने अपने सोशल मीडिया पर अपनी आने वाली फिल्म सासू जी तूने कदर ना जानी का फर्स्ट लुक जारी किया था और सभी को बताया था। फिल्म के फर्स्ट लुक के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों फर्स्ट लुक को लोग बहुत ज़्यादा पसंद किए और एक्टर संचिता बनर्जी भोजपुरी इंडस्ट्री के पॉपुलर चेहरों में से एक मानी जाती है। उन्होंने दोस्तों भोजपुरी के कई बड़े स्टार के साथ काम किया है। उनकी एक्टिंग के बारे में हम बात करें तो दर्शकों को खूब ज़्यादा उनकी एक्टिंग पसंद आती है। हर किसी की नज़रों में एक्टर्स अपनी काबिलियत के बदौलत छाई हुई है। अपनी इस आने वाली फिल्म में एक्टर संचिता बनर्जी आदित्य ओझा के साथ नजर आने वाली है। पोस्टर में एक कॉमेडी ड्रामा का वादा किया गया है, जिसमें बनर्जी संचिता एक गृहिणी की भूमिका निभाती हुई नजर आएंगी। और दोस्तों उन्होंने पोस्टर करते हुए ये बताया है कि ये फिल्म बहुत जल्द रिलीज होने के लिए आ रही है। वैसे में दोस्तों आपको बता दे सासू जी तूने कदर न जानी अजय कुमार झा द्वारा निर्देशित की गई है, जबकि संदीप सिंह और अरविंद कुमार अग्रवाल द्वारा निर्मित किया गया है। इस फिल्म के अंदर किरण यादव, संतोष श्रीवास्तव, रिंकू भारती और मनोज सिंह भी नजर आने वाले हैं। इसके अलावा संचिता बनर्जी के पास वैष्णी में बाबूजी के आशीर्वाद और 5 महारिया जैसी कई फिल्में हैं, जिनमें किशन राय, गार्गी पंडित, कनक पांडे, निशा दुबे और प्राची सिंह नजर आने वाली है। एक्टर्स ने जैसे ही अपने फिल्म का फर्स्ट लुक जारी किया, लोगों ने उस पर अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। हर किसी को उनके फिल्म का फर्स्ट लुक बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। हालांकि फिल्म को कितना प्यार मिलेगा ये तो रिलीज होने के बाद ही हम आपको बता सकते हैं। जी हाँ फैंस, क्योंकि दोस्तों रिलीज होने से पहले सभी प्रोड्यूसर का और सभी डायरेक्टर का यही कहना होता है कि हमने एक अच्छी कहानी को तैयार किया है, एक अच्छी कहानी बनाने की कोशिश की है, ये सभी का कहना है। लेकिन दोस्तों कहानी कितनी अच्छी है ये तो रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। यानी कि अगर आपने एक बिरयानी पका लिया और सभी को आप बता रहे कि ये बिरयानी बहुत ही स्वादिष्ट है, लेकिन दोस्तों जब तक आप खा के देखोगे नहीं, आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये बिरयानी कितनी स्वादिष्ट है और कितने लायक है। वैसे ही इस फिल्म के उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं कि जब तक आप इस फिल्म को देखोगे नहीं, आपको उतना कुछ ज़्यादा समझ में आने वाला है नहीं। दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे सासू जी तूने कदर न जानी
पुरानी भोजपुरी फिल्म को जो बहुत जल्द यूट्यूब पे रिलीज होने आ रही है। वैसे मैं दोस्तों आपको बता दें, वैसे भोजपुरी फिल्म में बहुत है, भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारी फिल्में अभी रिलीज होने वाली है। खेसारी लाल का फिल्म आने वाला है, साथ ही साथ अमरपाली दुबे का फिल्म आने वाला है, रहुआ का फिल्म आने वाला है, ऐसे बहुत से एक्टर्स हैं जिनकी फिल्म अभी बहुत जल्द आने वाली है साल 2023 के अंदर। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें, खेसारी लाल यादव का भी फिल्म 2023 में रिलीज हुआ है। साल 2023 में फरिश्ता फिल्म को रिलीज किया गया है। भोजपुरी फिल्म जगत में एक ही नाम की गूंज यानी कि सुनाई दे रही अभी, और वो है नाम कोई और नहीं बल्कि हिट जो है मशीन खेसारी लाल यादव का नाम अभी दिखाई दे रहा है। दोस्तों कहा जा रहा है कि रोजाना एक के बाद एक गाना इनका रिलीज होते जा रहा है और सबको अपना दीवाना बना रहे हैं। खेसारी लाल यादव की हालिया रिलीज भोजपुरी फिल्म फरिश्ता जो काफी शानदार बॉक्स ऑफिस पे कमाई किया है। दोस्तों अगर हम इनके गाने के बारे में हम बात कर ले तो इनके गाने में खेसारी अपने माता पिता और भाइयों की सेवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका पागलपन ही इस गाने की जान है जो दर्शकों को इसे बार बार देखने पर मजबूर कर रहा है। इस गाने को वेब म्यूजिक के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पे रिलीज किया गया है। गाने में खेसारी के एक्सप्रेशन ने सभी का ध्यान अपनी तरफ जो है खींचा, वहीं इसके अमित शुक्ला का सख्त रुख भी इसमें देखने को मिलता है। गाने में खेसारी कहते हैं कि हरदम माई बाप की सेवा में लागल रहेला, हरदम माई बाप की सेवा में लागल रहेला और एक दुनिया पागल कहेला। गाने को अब तक जो है 3 लाख के करीब व्यूज मिल चुके हैं, 37,000 से अधिक इसके लाइक मिल चुके हैं। इस गाने को खेसारी लाल यादव की फैन फॉलोइंग इतनी तगड़ी है कि वह किसी भी गाने या फिल्म को हिट कराने के लिए उनका नाम अभी काफी हो चुका है। फरिश्ता इस समय आपको बता दें यूपी बिहार में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। फरिश्ता भोजपुरी फिल्म एक अच्छी कहानी की पारिवारिक फिल्म है। इस फिल्म में खेसारी लाल यादव एक पागल बेटे के रोल में नजर आ रहे हैं। इसके पिताजी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते फिल्म में और हमेशा उसको पागल कहकर नीचा दिखाते रहते हैं। इस गाने को सिंगर बबुआ विकास ने गाया है। वहीं इस गाने के लेखक के बारे में हम बात कर ले तो म्यूजिक कृष्णा बेदर्दी ने इस गाने को लिखा है। जी हाँ दोस्तों, गाने काफी शानदार लिखे हुए हैं। बता दें खेसारी लाल यादव जल्द ही नए अवतार में नजर आएंगे। अपकमिंग फिल्म वीर हनुमान में वह नजर आने वाले है। निर्माता रत्नाकर कुमार ने फिल्म की घोषणा करते हुए एक पोस्टर शेयर किया। पोस्टर जो है सिंदूर रंग के साथ बनाया गया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा है कि अनाउंसमेंट फिल्म जो है वीर हनुमान बीट के साथ खेसारी लाल फिर से वापसी कर रहे हैं। जहाँ दोस्तों इनका एक और ये फिल्म देखने में काफी शानदार हमें और मजा आने वाला है। वैसे दोस्तों अगर आप खेसारी लाल यादव के फैन हो तो इस वीडियो में आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं भोजपुरी फिल्म सासू जी तूने कदर न जानी के बारे में, जिसको काफी ज्यादा सुर्खियां मिली है कि ये फिल्म कब तक रिलीज होगी। काफी ज्यादा सुर्खियों में ये फिल्म छाया हुआ है। वैसे में दोस्तों इस फिल्म के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा भी किया गया था 2022 से लेकर 2023 में। लोग इसको देखने के लिए यूट्यूब पे बहुत ज्यादा सर्च कर रहे हैं, लेकिन ये फिल्म अभी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है। वैसे में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस मूवी को मैं भी अपलोड नहीं कर सकता, क्योंकि इस मूवी को अपलोड करने का अधिकार मुझे नहीं है और मेरे पास ये फिल्म है भी नहीं, क्योंकि आप लोग का बहुत ज़्यादा कमेंट तो आता रहता है कि सर आप अपने चैनल पे फिल्म को अपलोड कीजिए। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं कि मैं सिर्फ मूवी को रिव्यू कर सकता हूं, बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में ही बता सकता हूं। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं आकांक्षा दुबे के बारे में, जिनकी दुखद घटना ने सभी को काफी ज्यादा परेशान कर दिया है, क्योंकि इनका एक रहस्यमय मौत हो गई जिसकी वजह से हमें कुछ भी नहीं पता चल पाया कि आकांक्षा दुबे को क्या हुआ था। तो इनका एक गाना रिलीज हुआ है, चलिए उस गाने के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दे, आकांक्षा दुबे एक भोजपुरी एक्ट्रेस है। मॉडलिंग और डांसर में इनका बहुत ज्यादा शौक था, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत फेमस थी और उन्होंने ज्यादातर भोजपुरी स्टार समर सिंह के साथ काम किया है। उनके बहुत सारे भोजपुरी गाने आ चुकी है जो कि लोगों ने बहुत पसंद किया है और इस वजह से इनके गाने वायरल भी बहुत ज्यादा होते हैं। आज हम आकांक्षा दुबे के बारे में आप सभी को बताने जा रहे हैं। आकांक्षा दुबे मूल रूप से बहुत ज्यादा यानी कि भदोई उत्तर प्रदेश की रहने वाली है और उनके बारे में हम बात कर ले तो फिलहाल वह मुंबई में रहती है। इन्होंने अपनी शिक्षा उत्तर प्रदेश में ही प्राप्त किया और वह सिर्फ जो इंटरमीडिएट तक ही पढ़ाई की है। उसके बाद इन्होंने अपनी डांसिंग और अपनी फिल्मी दुनिया से रिश्ता जोड़ लिया। इसके बाद इन्होंने कई सारी फिल्मों में काम किया है और उनको कई बहुत सारी फिल्में मिली भी थी
और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इनको मिल रहा था फिल्मी दुनिया में। दोस्तों भोजपुरी में इनके बहुत ज्यादा फैंस बन चुके थे और ऐसे में आकांक्षा दुबे का एक दिल दहला देने वाला खबर आया था 2 दिन पहले, और वो था कि इन्होंने अपने आप को फांसी लटका के मार दिया। तो दोस्तों ये एक दुखद घटना है। तो फैंस उम्मीद करता हूँ कि आकांक्षा दुबे के बारे में आपका क्या ख्याल है आप मुझे नीचे। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AK मूवी फैक्ट पे। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसका आप लोगों का बहुत लंबे समय से इंतजार था। यह दोस्तों आपको बता दें आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भोजपुरी फिल्म सासू जी तूने कदर न जाने के बारे में। यह गाइस आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये फिल्म कब रिलीज होगी और दोस्तों इसी के साथ इस फिल्म की शूटिंग क्या समाप्त हो पाई है या नहीं, इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म के अधिकार कौन से टीवी चैनल को बेचा गया है या फिर कौन से यूट्यूब चैनल को बेचा गया है, यह दोस्तों जिसकी वजह से आप लोग को ये पता चल जाएगा कि ये फिल्म आपको सबसे पहले कौन से टीवी चैनल पे देखने को मिलेगा या फिर कौन से यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे इस फिल्म की हीरो कौन है, फिल्म की हीरोइन कौन है, फिल्म के राइटर कौन है और फिल्म के डायरेक्टर कौन है, सब चीजों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी किए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो फैंस से वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से बात करते हैं सासू जी तूने कदर ना जाने फिल्म के बारे में। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी के रिलीज डेट के बारे में। तो बता दें दोस्तों इस फिल्म को 3 अगस्त बुधवार को रिलीज किया जाएगा बी फॉर यू यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पे आपको अच्छी अच्छी भोजपुरी फिल्म देखने को मिलता है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सासू जी तूने कदर न जाने के बारे में। बता दें दोस्तों सासू जी तूने कदर न जाने अपकमिंग भोजपुरी फिल्म है जिसे बी फॉर यू मोशन एंड SS विद हाई IQ ENT के बैनर के तले बनाया जा रहा है जिसके निर्देशक है अजय कुमार झा और निर्माता के बारे में हम बात कर ले तो संदीप सिंह है और अरविंद कुमार अग्रवाल इस मूवी में लीड रोल में नजर आने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों फिल्म के हीरो के बारे में हम बात कर ले तो आदित्य ओझा फिल्म के हीरो होने वाले हैं। फिल्म की हीरोइन के बारे में हम बात कर ले तो संचिता बनर्जी फिल्म की हीरोइन होने वाली है। दूसरे प्रमुख कलाकारों के बारे में हम बात कर ले तो उनमें प्रमुख जो है संतोष श्रीवास्तव, निधि सिंह, उनके अलावा सीनियर मिश्रे और रिंकू भारती इस फिल्म में काफी अच्छी रोल में नजर आने वाली है, जो सास के रोल में इस फिल्म में नजर आने वाली है रिंकू भारती। जी हाँ फैंस, सासू जी तूने कदर न जानी ये एक ड्रामा फिल्म है, फैमिली मूवी है। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों फिल्म के ट्रेलर के बारे में हम बात करें तो फिल्म के ट्रेलर में हमें देखने को मिला है कि सासू जी तूने कदर न जाने में जो हीरो की माँ है वो अपनी बहू के लिए तरस रही होती है। जब उनका बेटा का विवाह होता है तो उनके घर में एक बहुत ही खूबसूरत बहू आती है। बहू के आने के बाद वो सोचती है कि जैसे उसने अपने मन में सोचा था, अपने सपना में सोचा था कि बहू जब आ जाएगी तो सारे घर के काम अकेले कर लेगी, जैसे कि दोस्तों गांव घर में सोचा जाता है और सारा बोझ जो है बहू के ऊपर डाल दिया जाता है। तो कुछ इसी तरह की कहानी इस फिल्म में हमें देखने को मिलता है। यहाँ फ्रेंड्स अगर बात की जाए फिल्म के डायरेक्टर के बारे में तो अजय कुमार झा ने फिल्म को डायरेक्ट किया। फिल्म की प्रोड्यूसर के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म को 2 लोगों ने प्रोड्यूस किया, सबसे पहले संदीप सिंह, उनके अलावा अरविंद कुमार अग्रवाल इस फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं। स्टोरी लेखक के बारे में हम बात कर ले तो अरविंद तिवारी जी फिल्म की कहानी को लिखे हैं। म्यूजिक के बारे में हम बात कर ले तो ओम झा ने इस फिल्म के गाने को तैयार किए हैं। लिरिक्स के बारे में हम बात कर ले तो अरविंद तिवारी जी ने गाने को लिखे हैं। कोरियोग्राफर के बारे में हम बात कर ले तो परवीन सलार ने कोरियोग्राफ किया है फिल्म को। जी हाँ फैंस, सासू जी तूने कदर ना जाने फिल्म में आपको एक अच्छी कहानी देखने को मिलेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि इसमें आपको अश्लील सीन देखने को मिलेगा। बता दें दोस्तों फिल्म बहुत जल्द रिलीज होगी। फिल्म के ट्रेलर अभी तक आपने नहीं देखा है तो बी फॉर यू भोजपुरी चैनल पे इस फिल्म के ट्रेलर को रिलीज किया गया है, वहां पे जाके फिल्म के ट्रेलर को आप देख सकते हैं। बात की जाए फिल्म की हीरोइन के बारे में तो संचिता बनर्जी का किरदार इस फिल्म में एक गृहिणी के रूप में देखने को मिलेगा। यहाँ दोस्तों वो अपने सास से परेशान हो जाती है क्योंकि जब उनका विवाह होता है तो उनकी सास उनके पीछे ही पड़े रहती है काम करने के लिए। और दोस्तों उनकी सास का ये कहना है कि तुम जल्दी उठो, जल्दी से खाना बनाओ और सभी को खिलाओ, इसके बाद खुद खाओ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि संचिता बनर्जी को पता नहीं होता है कि विवाह होने के बाद क्या होगा गांव में, क्योंकि दोस्तों संचिता बनर्जी फिल्म के अंदर शहर से बिलोंग करती है और आदित्य ओझा के बारे में हम बात कर ले तो आदित्य ओझा गांव से बिलोंग करते हैं। लेकिन दोस्तों आदित्य ओझा का किरदार इस फिल्म में सिर्फ एक पति का है, साफ सुथरा पति का, जो एक हीरो के किरदार में इनका किरदार के बारे में हम बात कर ले तो ठीक ठाक हमें देखने को मिला है ट्रेलर के अंदर। जैसे कि दोस्तों एक आम पति होता है जो अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, अपने घर में
मिला के रख देता है, फिर काम पे चला जाता है। इसी तरह का सीन इस फिल्म में हमें देखने को मिला है, क्योंकि आदित्य ओझा का विवाह होने के बाद संचिता बनर्जी और आदित्य ओझा घर पे आते हैं। उसके बाद आदित्य ओझा बाहर चले जाते हैं, फिर उनकी माँ सब कुछ देखभाल करती है। आदित्य ओझा की माँ इसमें रिंकू भारती है। रिंकू भारती का अपने सास अपनी बहू के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा भी देखने को मिलता है, यानी कि कुछ खाना में गड़बड़ हो जाना, फिर पहले सबसे उठ के खा लेना, ये सब चीज़ें जो है इस फिल्म में रिंकू भारती को कुछ पसंद नहीं आता है। तो ये कहानी आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक नॉर्मल कहानी है, जो गांव की कहानी को लेकर बनाया गया है। फिल्म में कोई भी अश्लील सीन हमें देखने को नहीं मिलता है। अगर बात करें कि ये फिल्म पारिवारिक है या नहीं, तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि ये एक शुद्ध पारिवारिक फिल्म है। फिल्म के गाने के बारे में हम बात करें तो गाने भी काफ़ी अच्छे हैं, फिल्म के गाने भी ठीक ठाक हमें देखने को मिलता है। वैसे दोस्तों भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में हम बात करें तो भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसे कई सारी फिल्में साल में रिलीज होती है जिसमें बहुत सारे अश्लील सीन भर दिए जाते हैं, जो ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, और बहुत ऐसे ऑडियंस जिनको अच्छा भी लगता है। लेकिन दोस्तों क्या अश्लील सीन के बगैर फिल्में नहीं बनाई जा सकती? तो मेरा ये कहना है कि अश्लील सीन के बगैर भी फिल्में बनाई जा सकती है, और फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स भी देखने को मिलेगा, जैसे कि पहले ज़माने में हुआ करता था। लेकिन दोस्तों बीच में भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा कचरा हो गया था, क्योंकि बहुत ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने बिल्कुल गंद फैला दी थी, और बहुत ऐसे ऐसे अश्लील गानों को निकाल दिया, जिसकी वजह से ऑडियंस जो है फिल्म को देखना ही बंद कर दिया था। लेकिन दोस्तों वापस से भोजपुरी की तरफ ऑडियंस जो है लौट रही है, भोजपुरी फिल्म को पसंद करने लग गई है, जैसे कि इस फिल्म को देखने के लिए लोग बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी भोजपुरी फिल्म सासू जी तूने कदर ना जानी को यूट्यूब पर देखना पसंद करते हो, तो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो में हम इस मूवी से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट को वीडियो में बता रहे हैं। सासू जी तूने कदर ना जानी फिल्म के रिलीज डेट के बारे में हम बात करें तो 3 अगस्त को इस फिल्म को यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जाएगा, बीफोर यूट्यूब चैनल पे। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप भोजपुरी फिल्म को देखना पसंद करते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, भोजपुरी फिल्म की कहानी के बारे में हम बात कर ले तो कहानी सिर्फ यानी कि शॉर्ट में कहानी होती है, लेकिन भोजपुरी फिल्म के अंदर आपको एक चीज ज्यादा देखने को मिलेगा, वो है फिल्म के गाने। यानी कि जरूरत नहीं भी होती है, फिर भी आपको 6 या 7 या 10 गाने कम से कम एक भोजपुरी फिल्म में तो आपको देखने को मिलता है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें भोजपुरी फिल्म में ज़्यादा गाना होना ये आम बात है। ऐसे में दोस्तों भोजपुरी इंडस्ट्री के संचिता बनर्जी ने अपनी सोशल अकाउंट पे इस फिल्म का सबसे पहले प्रचार किया था। संचिता बनर्जी ने अपने सोशल मीडिया पर अपनी आने वाली फिल्म सासू जी तूने कदर ना जानी का फर्स्ट लुक जारी किया था और सभी को बताया था। फिल्म के फर्स्ट लुक के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों फर्स्ट लुक को लोग बहुत ज़्यादा पसंद किए, और एक्टर संचिता बनर्जी भोजपुरी इंडस्ट्री के पॉपुलर चेहरों में से एक मानी जाती है। उन्होंने दोस्तों भोजपुरी के कई बड़े स्टार के साथ काम किया है। उनकी एक्टिंग के बारे में हम बात करें तो दर्शकों को खूब ज़्यादा उनकी एक्टिंग पसंद आती है। हर किसी की नज़रों में एक्टर्स अपनी काबिलियत के बदौलत छाई हुई है। अपनी इस आने वाली फिल्म में एक्टर संचिता बनर्जी आदित्य ओझा के साथ नजर आने वाली है। पोस्टर में एक कॉमेडी ड्रामा का वादा किया गया है, जिसमें बनर्जी संचिता एक गृहिणी की भूमिका निभाती हुई नजर आएंगी। और दोस्तों उन्होंने पोस्टर करते हुए ये बताया है कि ये फिल्म बहुत जल्द रिलीज होने के लिए आ रही है। वैसे में दोस्तों आपको बता दे सासू जी तूने कदर न जानी अजय कुमार झा द्वारा निर्देशित की गई है, जबकि संदीप सिंह और अरविंद कुमार अग्रवाल द्वारा निर्मित किया गया है। इस फिल्म के अंदर किरण यादव, संतोष श्रीवास्तव, रिंकू भारती और मनोज सिंह भी नजर आने वाले हैं। इसके अलावा संजीता बनर्जी के पास वैष्णी में बाबूजी के आशीर्वाद और 5 महारिया जैसी कई फिल्में हैं, जिनमें किशन राय, गार्गी पंडित, कनक पांडे, निशा दुबे और प्राची सिंह नजर आने वाली है। एक्टर्स ने जैसे ही अपने फिल्म का फर्स्ट लुक जारी किया, लोगों ने उस पर अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। हर किसी को उनके फिल्म का फर्स्ट लुक बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। हालांकि फिल्म को कितना प्यार मिलेगा ये तो रिलीज होने के बाद ही हम आपको बता सकते हैं। जी हाँ फैंस, क्योंकि दोस्तों रिलीज होने से पहले सभी प्रोड्यूसर का और सभी डायरेक्टर का यही कहना होता है कि हमने एक अच्छी कहानी को तैयार किया है, एक अच्छी कहानी बनाने की कोशिश की है, ये सभी का कहना है। लेकिन दोस्तों कहानी कितनी अच्छी है ये तो रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। यानी कि अगर आपने एक बिरयानी पका लिया और सभी को आप बता रहे कि ये बिरयानी बहुत ही स्वादिष्ट है, लेकिन दोस्तों जब तक आप खा के देखोगे नहीं, आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये बिरयानी कितनी स्वादिष्ट है और कितने लायक है। वैसे ही इस फिल्म के उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं कि जब तक आप इस फिल्म को देखोगे नहीं, आपको उतना कुछ ज़्यादा समझ में आने वाला है नहीं। दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं सासू जी तूने कदर न जानी भोजपुरी फिल्म को, जो बहुत जल्द यूट्यूब पर रिलीज होने आ रही है।
वैसे मैं दोस्तों आपको बता दें, वैसे भोजपुरी फिल्में बहुत है, भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारी फिल्में अभी रिलीज होने वाली है। खेसारी लाल का फिल्म आने वाला है, साथ ही साथ आम्रपाली दुबे का फिल्म आने वाला है, रहुआ का फिल्म आने वाला है, ऐसे बहुत से एक्टर्स हैं जिनकी फिल्म अभी बहुत जल्द आने वाली है साल 2023 के अंदर। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें, खेसारी लाल यादव का भी फिल्म 2023 में रिलीज हुआ है। साल 2023 में फरिश्ता फिल्म को रिलीज किया गया है। भोजपुरी फिल्म जगत में एक ही नाम की गूंज यानी कि सुनाई दे रही अभी, और वो है नाम कोई और नहीं बल्कि हिट जो है मशीन खेसारी लाल यादव का नाम अभी दिखाई दे रहा है। दोस्तों कहा जा रहा है कि रोजाना एक के बाद एक गाना इनका रिलीज होते जा रहा है और सबको अपना दीवाना बना रहे हैं। खेसारी लाल यादव की हालिया रिलीज भोजपुरी फिल्म फरिश्ता जो काफी शानदार बॉक्स ऑफिस पे कमाई किया है। दोस्तों अगर हम इनके गाने के बारे में हम बात कर ले तो इनके गाने में खेसारी अपने माता पिता और भाइयों की सेवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका पागलपन ही इस गाने की जान है जो दर्शकों को इसे बार बार देखने पर मजबूर कर रहा है। इस गाने को वेब म्यूजिक के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पे रिलीज किया गया है। गाने में खेसारी के एक्सप्रेशन ने सभी का ध्यान अपनी तरफ जो है खींचा, वहीं इसके अमित शुक्ला का सख्त रुख भी इसमें देखने को मिलता है। गाने में खेसारी कहते हैं कि हरदम माई बाप की सेवा में लागल रहेला, हरदम माई बाप की सेवा में लागल रहेला और एक दुनिया पागल कहेला। गाने को अब तक जो है 3 लाख के करीब व्यूज मिल चुके हैं, 37,000 से अधिक इसके लाइक मिल चुके हैं। इस गाने को खेसारी लाल यादव की फैन फॉलोइंग इतनी तगड़ी है कि वह किसी भी गाने या फिल्म को हिट कराने के लिए उनका नाम अभी काफी हो चुका है। फरिश्ता इस समय आपको बता दें यूपी बिहार में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। फरिश्ता भोजपुरी फिल्म एक अच्छी कहानी की पारिवारिक फिल्म है। इस फिल्म में खेसारी लाल यादव एक पागल बेटे के रोल में नजर आ रहे हैं। इसके पिताजी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते फिल्म में और हमेशा उसको पागल कहकर नीचा दिखाते रहते हैं। इस गाने को सिंगर बबुआ विकास ने गाया है। वहीं इस गाने के लेखक के बारे में हम बात कर ले तो म्यूजिक कृष्णा बेदर्दी ने इस गाने को लिखा है। जी हाँ दोस्तों, गाने काफी शानदार लिखे हुए हैं। बता दें खेसारी लाल यादव जल्द ही नए अवतार में नजर आएंगे। अपकमिंग फिल्म वीर हनुमान में वह नजर आने वाले हैं। निर्माता रत्नाकर कुमार ने फिल्म की घोषणा करते हुए एक पोस्टर शेयर किया। पोस्टर जो है सिंदूर रंग के साथ बनाया गया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा है कि अनाउंसमेंट फिल्म जो है वीर हनुमान बीट के साथ खेसारी लाल फिर से वापसी कर रहे हैं। यहाँ दोस्तों इनका एक और ये फिल्म देखने में काफी शानदार हमें और मजा आने वाला है। वैसे दोस्तों अगर आप खेसारी लाल यादव के फैन हो तो इस वीडियो में आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं भोजपुरी फिल्म सासू जी तूने कदर न जानी के बारे में, जिसको काफी ज्यादा सुर्खियां मिली है कि ये फिल्म कब तक रिलीज होगी। काफी ज्यादा सुर्खियों में ये फिल्म छाया हुआ है। वैसे में दोस्तों इस फिल्म के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा भी किया गया था 2022 से लेकर 2023 में। लोग इसको देखने के लिए यूट्यूब पे बहुत ज्यादा सर्च कर रहे हैं, लेकिन ये फिल्म अभी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है। वैसे में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस मूवी को मैं भी अपलोड नहीं कर सकता, क्योंकि इस मूवी को अपलोड करने का अधिकार मुझे नहीं है और मेरे पास ये फिल्म है भी नहीं, क्योंकि आप लोग का बहुत ज़्यादा कमेंट तो आता रहता है कि सर आप अपने चैनल पे फिल्म को अपलोड कीजिए। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं कि मैं सिर्फ मूवी को रिव्यू कर सकता हूं, बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में ही बता सकता हूं। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं आकांक्षा दुबे के बारे में, जिनकी दुखद घटना ने सभी को काफी ज्यादा परेशान कर दिया है, क्योंकि इनका एक रहस्यमय मौत हो गई जिसकी वजह से हमें कुछ भी नहीं पता चल पाया कि आकांक्षा दुबे को क्या हुआ था। तो इनका एक गाना रिलीज हुआ है, चलिए उस गाने के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दे, आकांक्षा दुबे एक भोजपुरी एक्ट्रेस है। मॉडलिंग और डांसर में इनका बहुत ज्यादा शौक था, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत फेमस थी और उन्होंने ज्यादातर भोजपुरी स्टार समर सिंह के साथ काम किया है। उनके बहुत सारे भोजपुरी गाने आ चुकी है जो कि लोगों ने बहुत पसंद किया है और इस वजह से इनके गाने वायरल भी बहुत ज्यादा होते हैं। आज हम आकांक्षा दुबे के बारे में आप सभी को बताने जा रहे हैं। आकांक्षा दुबे मूल रूप से बहुत ज्यादा यानी कि भदोई उत्तर प्रदेश की रहने वाली है और उनके बारे में हम बात कर ले तो फिलहाल वह मुंबई में रहती है। इन्होंने अपनी शिक्षा उत्तर प्रदेश में ही प्राप्त किया और वह सिर्फ जो इंटरमीडिएट तक ही पढ़ाई की है। उसके बाद इन्होंने अपनी डांसिंग और अपनी फिल्मी दुनिया से रिश्ता जोड़ लिया। इसके बाद इन्होंने कई सारी फिल्मों में काम किया है और उनको कई बहुत सारी फिल्में मिली भी थी और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इनको मिल रहा था फिल्मी दुनिया में। दोस्तों भोजपुरी में इनके बहुत ज्यादा फैंस बन चुके थे और ऐसे में आकांक्षा दुबे का एक दिल दहला देने वाला खबर आया था 2 दिन पहले, और वो था कि इन्होंने अपने आप को फांसी लटका के मार दिया। तो दोस्तों ये एक दुखद घटना है। तो फैंस उम्मीद करता हूँ कि आकांक्षा दुबे के बारे में आपका क्या ख्याल है, आप मुझे
दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल AK मूवी फैक्ट पे। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसका आप लोगों का बहुत लंबे समय से इंतजार था। यह दोस्तों आपको बता दें आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भोजपुरी फिल्म सासू जी तूने कदर न जाने के बारे में। यह गाइस आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये फिल्म कब रिलीज होगी और दोस्तों इसी के साथ इस फिल्म की शूटिंग क्या समाप्त हो पाई है या नहीं, इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म के अधिकार कौन से टीवी चैनल को बेचा गया है या फिर कौन से यूरोप चैनल को बेचा गया है, यहाँ दोस्तों जिसकी वजह से आप लोग को ये पता चल जाएगा कि ये फिल्म आपको सबसे पहले कौन से टीवी चैनल पे देखने को मिलेगा या फिर कौन से यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे इस फिल्म की हीरो कौन है, फिल्म की हीरोइन कौन है, फिल्म के राइटर कौन है और फिल्म के डायरेक्टर कौन है, इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी किए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो फैंस से वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से बात करते हैं सासू जी तूने कदर ना जाने फिल्म के बारे में। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी के रिलीज डेट के बारे में। तो बता दे दोस्तों इस फिल्म को 3 अगस्त बुधवार को रिलीज किया जाएगा बी फॉर यू यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पे आपको अच्छी अच्छी भोजपुरी फिल्म देखने को मिलता है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सासू जी तूने कदर न जाने के बारे में। बता दे दोस्तों सासू जी तूने कदर न जाने अपकमिंग भोजपुरी फिल्म है जिसे बी फॉर यू मोशन एंड SS विद हाई IQ ENT के बैनर के तले बनाया जा रहा है जिसके निर्देशक है अजय कुमार झा और निर्माता के बारे में हम बात कर ले तो संदीप सिंह है और अरविंद कुमार अग्रवाल इस मूवी में लीड रोल में नजर आने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों फिल्म के हीरो के बारे में हम बात कर ले तो आदित्य ओझा फिल्म के हीरो होने वाले हैं। फिल्म की हीरोइन के बारे में हम बात कर ले तो संचिता बनर्जी फिल्म की हीरोइन होने वाली है। दूसरे प्रमुख कलाकारों के बारे में हम बात कर ले तो उनमें प्रमुख जो है संतोष श्रीवास्तव, निधि सिंह, उनके अलावा सीनियर मिश्री और रिंकू भारती इस फिल्म में काफ़ी अच्छी रोल में नज़र आने वाली है, जो सास के रोल में इस फिल्म में नज़र आने वाली है रिंकू भारती। जी हाँ फैंस, सासू जी तूने कदर न जानी ये एक ड्रामा फिल्म है, फैमिली मूवी है। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों फिल्म के ट्रेलर के बारे में हम बात करें तो फिल्म के ट्रेलर में हमें देखने को मिला है कि सासू जी तूने कदर न जाने में जो हीरो की माँ है वो अपनी बहू के लिए तरस रही होती है। जब उनका बेटा का विवाह होता है तो उनके घर में एक बहुत ही खूबसूरत बहू आती है। बहू के आने के बाद वो सोचती है कि जैसे उसने अपने मन में सोचा था, अपने सपना में सोचा था कि बहू जब आ जाएगी तो सारे घर के काम अकेले कर लेगी, जैसे कि दोस्तों गांव घर में सोचा जाता है और सारा बोझ जो है बहू के ऊपर डाल दिया जाता है। तो कुछ इसी तरह की कहानी इस फिल्म में हमें देखने को मिलता है। यहाँ फ्रेंड्स अगर बात की जाए फिल्म के डायरेक्टर के बारे में तो अजय कुमार झा ने फिल्म को डायरेक्ट किया। फिल्म की प्रोड्यूसर के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म को 2 लोगों ने प्रोड्यूस किया। सबसे पहले संदीप सिंह, उनके अलावा अरविंद कुमार अग्रवाल इस फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं। स्टोरी लेखक के बारे में हम बात कर ले तो अरविंद तिवारी जी फिल्म की कहानी को लिखे हैं। म्यूजिक के बारे में हम बात कर ले तो ओम झा ने इस फिल्म के गाने को तैयार किए हैं। लिरिक्स के बारे में हम बात कर ले तो अरविंद तिवारी जी ने गाने को लिखे हैं। कोरियोग्राफर के बारे में हम बात कर ले तो परवीन सलार ने कोरियोग्राफ किया है फिल्म को। जी हाँ फैंस, सासू जी तूने कदर ना जानी फिल्म में आपको एक अच्छी कहानी देखने को मिलेगा। इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि इसमें आपको अश्लील सीन देखने को मिलेगा। बता दें दोस्तों फिल्म बहुत जल्द रिलीज होगी। फिल्म के ट्रेलर अभी तक आपने नहीं देखा है तो बी फॉर यू भोजपुरी चैनल पे इस फिल्म के ट्रेलर को रिलीज किया गया है, वहाँ पे जाके फिल्म के ट्रेलर को आप देख सकते हैं। बात की जाए फिल्म की हीरोइन के बारे में तो संचिता बनर्जी का किरदार इस फिल्म में एक गृहिणी के रूप में देखने को मिलेगा। जहां दोस्तों वो अपने सास से परेशान हो जाती है क्योंकि जब उनका विवाह होता है तो उनकी सास उनके पीछे पड़े रहती है काम करने के लिए। और दोस्तों उनकी सास का ये कहना है कि तुम जल्दी उठो, जल्दी से खाना बनाओ और सभी को खिलाओ, इसके बाद खुद खाओ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि संचिता बनर्जी को पता नहीं होता है कि विवाह होने के बाद क्या होगा गांव में, क्योंकि दोस्तों संचिता बनर्जी फिल्म के अंदर शहर से बिलोंग करती है और आदित्य ओझा के बारे में हम बात कर ले तो आदित्य ओझा गांव से बिलोंग करते हैं। लेकिन दोस्तों आदित्य ओझा का किरदार इस फिल्म में सिर्फ एक पति का है, साफ सुथरा पति का, जो एक हीरो के किरदार में इनका किरदार के बारे में हम बात कर ले तो ठीक ठाक हमें देखने को मिला है ट्रेलर के अंदर। जैसे कि दोस्तों एक आम पति होता है जो अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, अपने घर में ला के रख देता है, फिर काम पे चला जाता है।
इसी तरह का सीन इस फिल्म में हमें देखने को मिला है, क्योंकि आदित्य ओझा का विवाह होने के बाद संचिता बनर्जी और आदित्य ओझा घर पे आते हैं। उसके बाद आदित्य ओझा बाहर चले जाते हैं, फिर उनकी माँ सब कुछ देखभाल करती है। आदित्य ओझा की माँ इसमें रिंकू भारती है। रिंकू भारती का अपने सास अपनी बहू के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा भी देखने को मिलता है, यानी कि कुछ खाना में गड़बड़ हो जाना, फिर पहले सबसे उठ के खा लेना, ये सब चीज़ें जो है इस फिल्म में रिंकू भारती को कुछ पसंद नहीं आता है। तो ये कहानी आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक नॉर्मल कहानी है जो गांव की कहानी को लेकर बनाया गया है। फिल्म में कोई भी अश्लील सीन हमें देखने को नहीं मिलता है। अगर बात करें कि ये फिल्म पारिवारिक है या नहीं, तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि ये एक शुद्ध पारिवारिक फिल्म है। फिल्म के गाने के बारे में हम बात करें तो गाने भी काफी अच्छे हैं, फिल्म के गाने भी ठीक ठाक हमें देखने को मिलता है। वैसे दोस्तों भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में हम बात करें तो भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसे कई सारी फिल्में साल में रिलीज होती है जिसमें बहुत सारे अश्लील सीन भर दिए जाते हैं, जो ऑडियंस को काफी ज्यादा बुरा लगता है, और बहुत ऐसे ऑडियंस जिनको अच्छा भी लगता है। लेकिन दोस्तों क्या अश्लील सीन के बगैर फिल्में नहीं बनाई जा सकती? तो मेरा ये कहना है कि अश्लील सीन के बगैर भी फिल्में बनाई जा सकती है, और फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स भी देखने को मिलेगा, जैसे कि पहले जमाने में हुआ करता था। लेकिन दोस्तों बीच में भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा कचरा हो गया था, क्योंकि बहुत ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने बिल्कुल गंद फैला दी थी, और बहुत ऐसे ऐसे अश्लील गानों को निकाल दिया, जिसकी वजह से ऑडियंस जो है फिल्म को देखना ही बंद कर दिया था। लेकिन दोस्तों वापस से भोजपुरी की तरफ ऑडियंस जो है लौट रही है, भोजपुरी फिल्म को पसंद करने लग गई है, जैसे कि इस फिल्म को देखने के लिए लोग बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी भोजपुरी फिल्म सासू जी तूने कदर ना जानी को यूट्यूब पर देखना पसंद करते हो, तो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो में हम इस मूवी से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट को वीडियो में बता रहे हैं। सासू जी तूने कदर ना जानी फिल्म के रिलीज डेट के बारे में हम बात करें तो 3 अगस्त को इस फिल्म को यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जाएगा, बी4 यूट्यूब चैनल पे। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप भोजपुरी फिल्म को देखना पसंद करते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, भोजपुरी फिल्म की कहानी के बारे में हम बात कर ले तो कहानी सिर्फ यानी कि शॉर्ट में कहानी होती है, लेकिन भोजपुरी फिल्म के अंदर आपको एक चीज ज्यादा देखने को मिलेगा, वो है फिल्म के गाने। यानी कि जरूरत नहीं भी होती है, फिर भी आपको 6 या 7 या 10 गाने कम से कम एक भोजपुरी फिल्म में तो आपको देखने को मिलता है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें भोजपुरी फिल्म में ज़्यादा गाना होना ये आम बात है। ऐसे में दोस्तों भोजपुरी इंडस्ट्री के संचिता बनर्जी ने अपनी सोशल अकाउंट पे इस फिल्म का सबसे पहले प्रचार किया था। संचिता बनर्जी ने अपने सोशल मीडिया पर अपनी आने वाली फिल्म सासू जी तूने कदर ना जानी का फर्स्ट लुक जारी किया था और सभी को बताया था। फिल्म के फर्स्ट लुक के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों फर्स्ट लुक को लोग बहुत ज़्यादा पसंद किए, और एक्टर संचिता बनर्जी भोजपुरी इंडस्ट्री के पॉपुलर चेहरों में से एक मानी जाती है। उन्होंने दोस्तों भोजपुरी के कई बड़े स्टार के साथ काम किया है। उनकी एक्टिंग के बारे में हम बात करें तो दर्शकों को खूब ज़्यादा उनकी पसंद आती है। हर किसी की नजरों में एक्टर्स अपनी काबिलियत के बदौलत छाई हुई है। अपनी इस आने वाली फिल्म में एक्टर संचिता बनर्जी आदित्य ओझा के साथ नजर आने वाली है। पोस्टर में एक कॉमेडी ड्रामा का वादा किया गया है, जिसमें बनर्जी संचिता एक गृहिणी की भूमिका निभाती हुई नजर आएंगी। और दोस्तों उन्होंने पोस्टर करते हुए ये बताया है कि ये फिल्म बहुत जल्द रिलीज होने के लिए आ रही है। वैसे में दोस्तों आपको बता दे सासू जी तूने कदर न जानी अजय कुमार झा द्वारा निर्देशित की गई है, जबकि संदीप सिंह और अरविंद कुमार अग्रवाल द्वारा निर्मित किया गया है। इस फिल्म के अंदर किरण यादव, संतोष श्रीवास्तव, रिंकू भारती और मनोज सिंह भी नजर आने वाले हैं। इसके अलावा संचिता बनर्जी के पास वैष्णी में बाबूजी के आशीर्वाद और 5 महारिया जैसी कई फिल्में हैं, जिनमें किशन राय, गार्गी पंडित, कनक पांडे, निशा दुबे और प्राची सिंह नजर आने वाली है। एक्टर्स ने जैसे ही अपने फिल्म का फर्स्ट लुक जारी किया, लोगों ने उस पर अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। हर किसी को उनके फिल्म का फर्स्ट लुक बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। हालांकि फिल्म को कितना प्यार मिलेगा ये तो रिलीज होने के बाद ही हम आपको बता सकते हैं। जी हाँ फैंस, क्योंकि दोस्तों रिलीज होने से पहले सभी प्रोड्यूसर का और सभी डायरेक्टर का यही कहना होता है कि हमने एक अच्छी कहानी को तैयार किया है, एक अच्छी कहानी बनाने की कोशिश की है, ये सभी का कहना है। लेकिन दोस्तों कहानी कितनी अच्छी है ये तो रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। यानी कि अगर आपने एक बिरयानी पका लिया और सभी को आप बता रहे कि ये बिरयानी बहुत ही स्वादिष्ट है, लेकिन दोस्तों जब तक आप खा के देखोगे नहीं, आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये बिरयानी कितनी स्वादिष्ट है और कितने लायक है। वैसे ही इस फिल्म के उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं कि जब तक आप इस फिल्म को देखोगे नहीं, आपको उतना कुछ ज्यादा समझ में आने वाला है नहीं। दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे सासू जी तूने कदर न जानी भोजपुरी फिल्म को, जो बहुत जल्द यूट्यूब पे रिलीज होने आ रही है।
वैसे मैं दोस्तों आपको बता दें, वैसे भोजपुरी फिल्में बहुत है, भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारी फिल्में अभी रिलीज होने वाली है। खेसारी लाल का फिल्म आने वाला है, साथ ही साथ आम्रपाली दुबे का फिल्म आने वाला है, रहुआ का फिल्म आने वाला है, ऐसे बहुत से एक्टर्स हैं जिनकी फिल्म अभी बहुत जल्द आने वाली है साल 2023 के अंदर। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें, खेसारी लाल यादव का भी फिल्म 2023 में रिलीज हुआ है। साल 2023 में फरिश्ता फिल्म को रिलीज किया गया है। भोजपुरी फिल्म जगत में एक ही नाम की गूंज यानी कि सुनाई दे रही अभी, और वो है नाम कोई और नहीं बल्कि हिट जो है मशीन खेसारी लाल यादव का नाम अभी दिखाई दे रहा है। दोस्तों कहा जा रहा है कि रोजाना एक के बाद एक गाना इनका रिलीज होते जा रहा है और सबको अपना दीवाना बना रहे हैं। खेसारी लाल यादव की हालिया रिलीज भोजपुरी फिल्म फरिश्ता जो काफी शानदार बॉक्स ऑफिस पे कमाई किया है। दोस्तों अगर हम इनके गाने के बारे में हम बात कर ले तो इनके गाने में खेसारी अपने माता पिता और भाइयों की सेवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका पागलपन ही इस गाने की जान है जो दर्शकों को इसे बार बार देखने पर मजबूर कर रहा है। इस गाने को वेब म्यूजिक के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पे रिलीज किया गया है। गाने में खेसारी के एक्सप्रेशन ने सभी का ध्यान अपनी तरफ जो है खींचा, वहीं इसके अमित शुक्ला का सख्त रुख भी इसमें देखने को मिलता है। गाने में खेसारी कहते हैं कि हरदम माई बाप की सेवा में लागल रहेला, हरदम माई बाप की सेवा में लागल रहेला और एक दुनिया पागल कहेला। गाने को अब तक जो है 3 लाख के करीब व्यूज मिल चुके हैं, 37,000 से अधिक इसके लाइक मिल चुके हैं। इस गाने को खेसारी लाल यादव की फैन फॉलोइंग इतनी तगड़ी है कि वह किसी भी गाने या फिल्म को हिट कराने के लिए उनका नाम अभी काफी हो चुका है। फरिश्ता इस समय आपको बता दें यूपी बिहार में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। फरिश्ता भोजपुरी फिल्म एक अच्छी कहानी की पारिवारिक फिल्म है। इस फिल्म में खेसारी लाल यादव एक पागल बेटे के रोल में नजर आ रहे हैं। इसके पिताजी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते फिल्म में और हमेशा उसको पागल कहकर नीचा दिखाते रहते हैं। इस गाने को सिंगर बबुआ विकास ने गाया है। वहीं इस गाने के लेखक के बारे में हम बात कर ले तो म्यूजिक कृष्णा बेदर्दी ने इस गाने को लिखा है। जी हाँ दोस्तों, गाने काफी शानदार लिखे हुए हैं। बता दें खेसारी लाल यादव जल्द ही नए अवतार में नजर आएंगे। अपकमिंग फिल्म वीर हनुमान में वह नजर आने वाले हैं। निर्माता रत्नाकर कुमार ने फिल्म की घोषणा करते हुए एक पोस्टर शेयर किया। पोस्टर जो है सिंदूर रंग के साथ बनाया गया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा है कि अनाउंसमेंट फिल्म जो है वीर हनुमान बीट के साथ खेसारी लाल फिर से वापसी कर रहे हैं। या दोस्तों इनका एक और ये फिल्म देखने में काफी शानदार हमें और मजा आने वाला है। वैसे दोस्तों अगर आप खेसारी लाल यादव के फैन हो तो इस वीडियो में आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं भोजपुरी फिल्म सासू जी तूने कदर न जानी के बारे में, जिसको काफी ज्यादा सुर्खियां मिली है कि ये फिल्म कब तक रिलीज होगी। काफी ज्यादा सुर्खियों में ये फिल्म छाया हुआ है। वैसे में दोस्तों इस फिल्म के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा भी किया गया था 2022 से लेकर 2023 में। लोग इसको देखने के लिए यूट्यूब पे बहुत ज्यादा सर्च कर रहे हैं, लेकिन ये फिल्म अभी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है। वैसे में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस मूवी को मैं भी अपलोड नहीं कर सकता, क्योंकि इस मूवी को अपलोड करने का अधिकार मुझे नहीं है और मेरे पास ये फिल्म है भी नहीं, क्योंकि आप लोग का बहुत ज़्यादा कमेंट तो आता रहता है कि सर आप अपने चैनल पे फिल्म को अपलोड कीजिए। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं कि मैं सिर्फ मूवी को रिव्यू कर सकता हूं, बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में ही बता सकता हूं। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं आकांक्षा दुबे के बारे में, जिनकी दुखद घटना ने सभी को काफी ज्यादा परेशान कर दिया है, क्योंकि इनका एक रहस्यमय मौत हो गई जिसकी वजह से हमें कुछ भी नहीं पता चल पाया कि आकांक्षा दुबे को क्या हुआ था। तो इनका एक गाना रिलीज हुआ है, चलिए उस गाने के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दे, आकांक्षा दुबे एक भोजपुरी एक्ट्रेस है। मॉडलिंग और डांसर में इनका बहुत ज्यादा शौक था, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत फेमस थी और उन्होंने ज्यादातर भोजपुरी स्टार समर सिंह के साथ काम किया है। उनके बहुत सारे भोजपुरी गाने आ चुकी है जो कि लोगों ने बहुत पसंद किया है और इस वजह से इनके गाने वायरल भी बहुत ज़्यादा होते हैं। आज हम आकांक्षा दुबे के बारे में आप सभी को बताने जा रहे हैं। आकांक्षा दुबे मूल रूप से बहुत ज़्यादा यानी कि भदोई उत्तर प्रदेश की रहने वाली है और उनके बारे में हम बात कर ले तो फिलहाल वह मुंबई में रहती है। इन्होंने अपनी शिक्षा उत्तर प्रदेश में ही प्राप्त किया और वह सिर्फ जो इंटरमीडिएट तक ही पढ़ाई की है। उसके बाद इन्होंने अपनी डांसिंग और अपनी फिल्मी दुनिया से रिश्ता जोड़ लिया। इसके बाद इन्होंने कई सारी फिल्मों में काम किया है और उनको कई बहुत सारी फिल्में मिली भी थी और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इनको मिल रहा था फिल्मी दुनिया
दुनिया में। दोस्तों भोजपुरी में इनके बहुत ज्यादा फैंस बन चुके थे और ऐसे में आकांक्षा दुबे का एक दिल दहला देने वाला खबर आया था दो दिन पहले, और वो था कि इन्होंने अपने आप को फांसी लटका के मार दिया। तो दोस्तों ये एक दुखद घटना है, तो फैंस उम्मीद करता हूँ कि आकांक्षा दुबे के बारे में आपका क्या ख्याल है आप मुझे नीचे। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल AK मूवी फैक्ट पे, और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसका आप लोगों का बहुत लंबे समय से इंतजार था। यह दोस्तों आपको बता दें आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भोजपुरी फिल्म सासु जी तूने कदर न जाने के बारे में। यह गाइस आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये फिल्म कब रिलीज होगी और दोस्तों इसी के साथ इस फिल्म की शूटिंग क्या समाप्त हो पाई है या नहीं, इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म के अधिकार कौन से टीवी चैनल को बेचा गया है या फिर कौन से यूरोप चैनल को बेचा गया है, यहाँ दोस्तों जिसकी वजह से आप लोग को ये पता चल जाएगा कि ये फिल्म आपको सबसे पहले कौन से टीवी चैनल पे देखने को मिलेगा या फिर कौन से यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे इस फिल्म के हीरो कौन है, फिल्म की हीरोइन कौन है, फिल्म के राइटर कौन है और फिल्म के डायरेक्टर कौन है, इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी किए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो फैंस से वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से बात करते हैं सासु जी तूने कदर ना जाने फिल्म के बारे में। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी के रिलीज डेट के बारे में। तो बता दे दोस्तों इस फिल्म को 3 अगस्त बुधवार को रिलीज किया जाएगा बी फॉर यू यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पे आपको अच्छी अच्छी भोजपुरी फिल्म देखने को मिलता है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सासू जी तूने कदर न जाने के बारे में। बता दें दोस्तों सासू जी तूने कदर न जाने अपकमिंग भोजपुरी फिल्म है जिसे बी फॉर यू मोशन एंड SS विद हाई IQ ENT के बैनर के तले बनाया जा रहा है, जिसके निर्देशक है अजय कुमार झा और निर्माता के बारे में हम बात कर ले तो संदीप सिंह है और अरविंद कुमार अग्रवाल इस मूवी में लीड रोल में नजर आने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों फिल्म के हीरो के बारे में हम बात कर ले तो आदित्य ओझा फिल्म के हीरो होने वाले हैं। फिल्म की हीरोइन के बारे में हम बात कर ले तो संचिता बनर्जी फिल्म की हीरोइन होने वाली है। दूसरे प्रमुख कलाकारों के बारे में हम बात कर ले तो उनमें प्रमुख जो है संतोष श्रीवास्तव, निधि सिंह, उनके अलावा सीनियर मिश्री और रिंकू भारती इस फिल्म में काफी अच्छी रोल में नजर आने वाली है, जो सास के रोल में इस फिल्म में नजर आने वाली है रिंकू भारती। जी हाँ फैंस, सासू जी तूने कदर न जानी ये एक ड्रामा फिल्म है, फैमिली मूवी है। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों फिल्म के ट्रेलर के बारे में हम बात करें तो फिल्म के ट्रेलर में हमें देखने को मिला है कि सासू जी तूने कदर न जाने में जो हीरो की माँ है वो अपनी बहू के लिए तरस रही होती है। जब उनका बेटा का विवाह होता है तो उनके घर में एक बहुत ही खूबसूरत बहू आती है। बहू के आने के बाद वो सोचती है कि जैसे उसने अपने मन में सोचा था, अपने सपना में सोचा था कि बहू जब आ जाएगी तो सारे घर के काम अकेले कर लेगी, जैसे कि दोस्तों गांव घर में सोचा जाता है और सारा बोझ जो है बहू के ऊपर डाल दिया जाता है। तो कुछ इसी तरह की कहानी इस फिल्म में हमें देखने को मिलता है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर बात की जाए फिल्म के डायरेक्टर के बारे में तो अजय कुमार झा ने फिल्म को डायरेक्ट किया। फिल्म की प्रोड्यूसर के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म को दो लोगों ने प्रोड्यूस किया, सबसे पहले संदीप सिंह, उनके अलावा अरविंद कुमार अग्रवाल इस फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं। स्टोरी लेखक के बारे में हम बात कर ले तो अरविंद तिवारी जी फिल्म की कहानी को लिखे हैं। म्यूजिक के बारे में हम बात कर ले तो ओम झा ने इस फिल्म के गाने को तैयार किए हैं। लिरिक्स के बारे में हम बात कर ले तो अरविंद तिवारी जी ने गाने को लिखे हैं। कोरियोग्राफर के बारे में हम बात कर ले तो परवीन सलार ने कोरियोग्राफ किया है फिल्म को। जी हाँ फैंस, सासू जी तूने कदर ना जाने फिल्म में आपको एक अच्छी कहानी देखने को मिलेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि इसमें आपको अश्लील सीन देखने को मिलेगा। बता दें दोस्तों फिल्म बहुत जल्द रिलीज होगी। फिल्म के ट्रेलर अभी तक आपने नहीं देखा है तो बी फॉर यू भोजपुरी चैनल पे इस फिल्म के ट्रेलर को रिलीज किया गया है, वहाँ पे जाके फिल्म के ट्रेलर को आप देख सकते हैं। बात की जाए फिल्म की हीरोइन के बारे में तो संचिता बनर्जी का किरदार इस फिल्म में एक गृहिणी के रूप में देखने को मिलेगा। यहाँ दोस्तों वो अपने सास से परेशान हो जाती है क्योंकि जब उनका विवाह होता है तो उनकी सास उनके पीछे पड़े रहती है काम करने के लिए, और दोस्तों उनकी सास का ये कहना है कि तुम जल्दी उठो, जल्दी से खाना बनाओ और सभी को खिलाओ, इसके बाद खुद खाओ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि संचिता बनर्जी को पता नहीं होता है कि विवाह होने के बाद क्या होगा गांव में, क्योंकि दोस्तों संचिता बनर्जी फिल्म के अंदर शहर से बिलोंग करती है और आदित्य ओझा के बारे में हम बात कर ले तो आदित्य ओझा गांव से बिलोंग करते हैं। लेकिन दोस्तों आदित्य ओझा का किरदार इस फिल्म में सिर्फ एक पति का है, साफ सुथरा पति का, जो एक हीरो के किरदार में इनका किरदार के बारे में हम बात कर ले तो ठीक ठाक हमें देखने को मिला है ट्रेलर के अंदर। जैसे कि दोस्तों एक आम पति होता है जो अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता है, अपने घर ला के रख देता है फिर काम पे चला जाता है,
इसी तरह का सीन इस फिल्म में हमें देखने को मिला है, क्योंकि आदित्य ओझा का विवाह होने के बाद संचिता बनर्जी और आदित्य ओझा घर पे आते हैं। उसके बाद आदित्य ओझा बाहर चले जाते हैं, फिर उनकी माँ सब कुछ देखभाल करती है। आदित्य ओझा की माँ इसमें रिंकू भारती है। रिंकू भारती का अपने सास अपनी बहू के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा भी देखने को मिलता है, यानी कि कुछ खाना में गड़बड़ हो जाना, फिर पहले सबसे उठ के खा लेना, ये सब चीज़ें जो है इस फिल्म में रिंकू भारती को कुछ पसंद नहीं आता है। तो ये कहानी आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक नॉर्मल कहानी है जो गांव की कहानी को लेकर बनाया गया है। फिल्म में कोई भी अश्लील सीन हमें देखने को नहीं मिलता है। अगर बात करें कि ये फिल्म पारिवारिक है या नहीं, तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि ये एक शुद्ध पारिवारिक फिल्म है। फिल्म के गाने के बारे में हम बात करें तो गाने भी काफी अच्छे हैं, फिल्म के गाने भी ठीक ठाक हमें देखने को मिलता है। वैसे दोस्तों भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में हम बात करें तो भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसे कई सारी फिल्में साल में रिलीज होती है जिसमें बहुत सारे अश्लील सीन भर दिए जाते हैं, जो ऑडियंस को काफी ज्यादा बुरा लगता है, और बहुत ऐसे ऑडियंस जिनको अच्छा भी लगता है। लेकिन दोस्तों क्या अश्लील सीन के बगैर फिल्में नहीं बनाई जा सकती? तो मेरा ये कहना है कि अश्लील सीन के बगैर भी फिल्में बनाई जा सकती है, और फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स भी देखने को मिलेगा, जैसे कि पहले जमाने में हुआ करता था। लेकिन दोस्तों बीच में भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा कचरा हो गया था, क्योंकि बहुत ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने बिल्कुल गंद फैला दी थी, और बहुत ऐसे ऐसे अश्लील गानों को निकाल दिया, जिसकी वजह से ऑडियंस जो है फिल्म को देखना ही बंद कर दिया था। लेकिन दोस्तों वापस से भोजपुरी की तरफ ऑडियंस जो है लौट रही है, भोजपुरी फिल्म को पसंद करने लग गई है, जैसे कि इस फिल्म को देखने के लिए लोग बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी भोजपुरी फिल्म सासू जी तूने कदर ना जानी को यूट्यूब पर देखना पसंद करते हो, तो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो में हम इस मूवी से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट को वीडियो में बता रहे हैं। सासू जी तूने कदर ना जानी फिल्म के रिलीज डेट के बारे में हम बात करें तो 3 अगस्त को इस फिल्म को यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जाएगा, बी4 यूट्यूब चैनल पे। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप भोजपुरी फिल्म को देखना पसंद करते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, भोजपुरी फिल्म की कहानी के बारे में हम बात कर ले तो कहानी सिर्फ यानी कि शॉर्ट में कहानी होती है, लेकिन भोजपुरी फिल्म के अंदर आपको एक चीज ज्यादा देखने को मिलेगा, वो है फिल्म के गाने। यानी कि जरूरत नहीं भी होती है, फिर भी आपको 6 या 7 या 10 गाने कम से कम एक भोजपुरी फिल्म में तो आपको देखने को मिलता है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें भोजपुरी फिल्म में ज़्यादा गाना होना ये आम बात है। ऐसे में दोस्तों भोजपुरी इंडस्ट्री के संचिता बनर्जी ने अपनी सोशल अकाउंट पे इस फिल्म का सबसे पहले प्रचार किया था। संचिता बनर्जी ने अपने सोशल मीडिया पर अपनी आने वाली फिल्म सासू जी तूने कदर ना जानी का फर्स्ट लुक जारी किया था और सभी को बताया था। फिल्म के फर्स्ट लुक के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों फर्स्ट लुक को लोग बहुत ज़्यादा पसंद किए, और एक्टर संचिता बनर्जी भोजपुरी इंडस्ट्री के पॉपुलर चेहरों में से एक मानी जाती है। उन्होंने दोस्तों भोजपुरी के कई बड़े स्टार के साथ काम किया है। उनकी एक्टिंग के बारे में हम बात करें तो दर्शकों को खूब ज़्यादा उनकी पसंद आती है। हर किसी की नजरों में एक्टर्स अपनी काबिलियत के बदौलत छाई हुई है। अपनी इस आने वाली फिल्म में एक्टर संचिता बनर्जी आदित्य ओझा के साथ नजर आने वाली है। पोस्टर में एक कॉमेडी ड्रामा का वादा किया गया है, जिसमें बनर्जी संचिता एक गृहिणी की भूमिका निभाती हुई नजर आएंगी। और दोस्तों उन्होंने पोस्टर करते हुए ये बताया है कि ये फिल्म बहुत जल्द रिलीज होने के लिए आ रही है। वैसे में दोस्तों आपको बता दे सासू जी तूने कदर न जानी अजय कुमार झा द्वारा निर्देशित की गई है, जबकि संदीप सिंह और अरविंद कुमार अग्रवाल द्वारा निर्मित किया गया है। इस फिल्म के अंदर किरण यादव, संतोष श्रीवास्तव, रिंकू भारती और मनोज सिंह भी नजर आने वाले हैं। इसके अलावा संचिता बनर्जी के पास वैष्णी में बाबूजी के आशीर्वाद और 5 महारिया जैसी कई फिल्में हैं, जिनमें किशन राय, गार्गी पंडित, कनक पांडे, निशा दुबे और प्राची सिंह नजर आने वाली है। एक्टर्स ने जैसे ही अपने फिल्म का फर्स्ट लुक जारी किया, लोगों ने उस पर अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। हर किसी को उनके फिल्म का फर्स्ट लुक बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। हालांकि फिल्म को कितना प्यार मिलेगा ये तो रिलीज होने के बाद ही हम आपको बता सकते हैं। जी हाँ फैंस, क्योंकि दोस्तों रिलीज होने से पहले सभी प्रोड्यूसर का और सभी डायरेक्टर का यही कहना होता है कि हमने एक अच्छी कहानी को तैयार किया है, एक अच्छी कहानी बनाने की कोशिश की है, ये सभी का कहना है। लेकिन दोस्तों कहानी कितनी अच्छी है ये तो रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। यानी कि अगर आपने एक बिरयानी पका लिया और सभी को आप बता रहे कि ये बिरयानी बहुत ही स्वादिष्ट है, लेकिन दोस्तों जब तक आप खा के देखोगे नहीं, आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये बिरयानी कितनी स्वादिष्ट है और कितने लायक है। वैसे ही इस फिल्म के उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं कि जब तक आप इस फिल्म को देखोगे नहीं, आपको उतना कुछ ज्यादा समझ में आने वाला है नहीं। दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे सासू जी तूने कदर न जानी भोजपुरी फिल्म को, जो बहुत जल्द यूट्यूब पे रिलीज होने आ रही है। वैसे में दोस्तों आपको बता दें, वैसे भोजपुरी फिल्म
में बहुत है, भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारी फिल्में अभी रिलीज होने वाली है। खेसारी लाल का फिल्म आने वाला है, साथ ही साथ अमरपाली दुबे का फिल्म आने वाला है, रहुआ का फिल्म आने वाला है। ऐसे बहुत से एक्टर्स हैं जिनकी फिल्म अभी बहुत जल्द आने वाली है साल 2023 के अंदर। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें, खेसारी लाल यादव का भी फिल्म 2023 में रिलीज हुआ है। साल 2023 में फरिश्ता फिल्म को रिलीज किया गया है। भोजपुरी फिल्म जगत में एक ही नाम की गूंज यानी कि सुनाई दे रही अभी, और वो है नाम कोई और नहीं बल्कि हिट जो है मशीन खेसारी लाल यादव का नाम अभी दिखाई दे रहा है। दोस्तों कहा जा रहा है कि रोजाना एक के बाद एक गाना इनका रिलीज होते जा रहा है और सबको अपना दीवाना बना रहे हैं। खेसारी लाल यादव की हालिया रिलीज भोजपुरी फिल्म फरिश्ता जो काफ़ी शानदार बॉक्स ऑफिस पे कमाई किया है। दोस्तों अगर हम इनके गाने के बारे में हम बात कर ले तो इनके गाने में खेसारी अपने माता पिता और भाइयों की सेवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका पागलपन ही इस गाने की जान है जो दर्शकों को इसे बार बार देखने पर मजबूर कर रहा है। इस गाने को वेब म्यूजिक के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पे रिलीज किया गया है। गाने में खेसारी के एक्सप्रेशन ने सभी का ध्यान अपनी तरफ जो है खींचा, वहीं इसके अमित शुक्ला का सख्त रुख भी इसमें देखने को मिलता है। गाने में खेसारी कहते हैं कि हरदम माई बाप की सेवा में लागल रहेला, हरदम माई बाप की सेवा में लागल रहेला और एक दुनिया पागल कहेला। गाने को अब तक जो है 3 लाख के करीब व्यूज मिल चुके हैं, 37,000 से अधिक इसके लाइक मिल चुके हैं। इस गाने को खेसारी लाल यादव की फैन फॉलोइंग इतनी तगड़ी है कि वह किसी भी गाने या फिल्म को हिट कराने के लिए उनका नाम अभी काफी हो चुका है। फरिश्ता इस समय आपको बता दें यूपी बिहार में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। फरिश्ता भोजपुरी फिल्म एक अच्छी कहानी की पारिवारिक फिल्म है। इस फिल्म में खेसारी लाल यादव एक पागल बेटे के रोल में नजर आ रहे हैं। इसके पिताजी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते फिल्म में और हमेशा उसको पागल कहकर नीचा दिखाते रहते हैं। इस गाने को सिंगर बबुआ विकास ने गाया है। वहीं इस गाने के लेखक के बारे में हम बात कर ले तो म्यूजिक कृष्णा बेदर्दी ने इस गाने को लिखा है। जी हाँ दोस्तों, गाने काफी शानदार लिखे हुए हैं। बता दें खेसारी लाल यादव जल्द ही नए अवतार में नजर आएंगे। अपकमिंग फिल्म वीर हनुमान में वह नजर आने वाले हैं। निर्माता रत्नाकर कुमार ने फिल्म की घोषणा करते हुए एक पोस्टर शेयर किया। पोस्टर जो है सिंदूर रंग के साथ बनाया गया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा है कि अनाउंसमेंट फिल्म जो है वीर हनुमान बीट के साथ खेसारी लाल फिर से वापसी कर रहे हैं। जहां दोस्तों इनका एक और ये फिल्म देखने में काफी शानदार हमें और मजा आने वाला है। वैसे दोस्तों अगर आप खेसारी लाल यादव के फैन हो तो इस वीडियो में आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं भोजपुरी फिल्म सासू जी तूने कदर न जानी के बारे में। इसको काफी ज्यादा सुर्खियां मिली है कि ये फिल्म कब तक रिलीज होगी, काफी ज्यादा सुर्खियों में ये फिल्म छाया हुआ है। वैसे में दोस्तों इस फिल्म के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा भी किया गया था 2022 से लेकर 2023 में। लोग इसको देखने के लिए YouTube पे बहुत ज्यादा सर्च कर रहे हैं लेकिन ये फिल्म अभी YouTube पर देखने को नहीं मिलता है। वैसे में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस मूवी को मैं भी अपलोड नहीं कर सकता क्योंकि इस मूवी को अपलोड करने का अधिकार मुझे नहीं है और मेरे पास ये फिल्म है भी नहीं, क्योंकि आप लोग का बहुत ज्यादा कमेंट तो आता रहता है कि सर आप अपने चैनल पे फिल्म को अपलोड कीजिए। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं कि मैं सिर्फ मूवी को रिव्यू कर सकता हूँ, बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में ही बता सकता हूँ। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं आकांक्षा दुबे के बारे में, जिनकी दुखद घटना ने सभी को काफी ज्यादा परेशान कर दिया है क्योंकि इनका एक रहस्यमय मौत हो गई जिसकी वजह से हमें कुछ भी नहीं पता चल पाया कि आकांक्षा दुबे को क्या हुआ था। तो इनका एक गाना रिलीज हुआ है, चलिए उस गाने के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दे आकांक्षा दुबे एक भोजपुरी एक्ट्रेस है। मॉडलिंग और डांसर में इनका बहुत ज्यादा शौक था जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत फेमस थी और उन्होंने ज्यादातर भोजपुरी स्टार समर सिंह के साथ काम किया है। उनके बहुत सारे भोजपुरी गाने आ चुकी है जो कि लोगों ने बहुत पसंद किया है और इस वजह से इनके गाने वायरल भी बहुत ज्यादा होते हैं। आज हम आकांक्षा दुबे के बारे में आप सभी को बताने जा रहे हैं। आकांक्षा दुबे मूल रूप से बहुत ज़्यादा यानी कि भदोई उत्तर प्रदेश की रहने वाली है और उनके बारे में हम बात कर ले तो फिलहाल वह मुंबई में रहती है। इन्होंने अपनी शिक्षा उत्तर प्रदेश में ही प्राप्त किया और वह सिर्फ जो इंटरमीडिएट तक ही पढ़ाई की है। उसके बाद इन्होंने अपनी डांसिंग और अपनी फिल्मी दुनिया से रिश्ता जोड़ लिया। इसके बाद इन्होंने कई सारी फिल्मों में काम किया है और उनको कई बहुत सारी फिल्में मिली भी थी और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इनको मिल रहा था फिल्मी दुनिया में। दोस्तों भोजपुरी में इनके बहुत ज़्यादा फैंस बन चुके थे और ऐसे में आकांक्षा दुबे का एक दिल दहला देने वाला खबर आया था 2 दिन पहले और वो था कि इन्होंने अपने आप को फांसी लटका के मार दिया। तो दोस्तों ये एक दुखद घटना है। तो फैंस उम्मीद करता हूँ कि आकांक्षा दुबे के बारे में आपका क्या ख्याल है आप मुझे नीचे तो बता दें। दोस्तों इस फिल्म को 3 अगस्त बुधवार को
रिलीज किया जाएगा बी फॉर यू यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फैंस इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको अच्छी अच्छी भोजपुरी फिल्म देखने को मिलता है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सासू जी तूने कदर न जाने के बारे में। बता दें दोस्तों सासू जी तूने कदर न जाने अपकमिंग भोजपुरी फिल्म है, जिसे बी फॉर यू मोशन एंड एस एस विद हाई आई क्यू ENT के बैनर के तले बनाया जा रहा है, जिसके निर्देशक है अजय कुमार झा और निर्माता के बारे में हम बात कर ले तो संदीप सिंह है और अरविंद कुमार अग्रवाल इस मूवी में लीड रोल में नजर आने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों फिल्म के हीरो के बारे में हम बात कर ले तो आदित्य ओझा फिल्म के हीरो होने वाले हैं। फिल्म की हीरोइन के बारे में हम बात कर ले तो संचिता बनर्जी फिल्म की हीरोइन होने वाली है। दूसरे प्रमुख कलाकारों के बारे में हम बात कर ले तो उनमें प्रमुख जो है संतोष श्रीवास्तव, निधि सिंह, उनके अलावा सीनियर मिश्री और रिंकू भारती इस फिल्म में काफी अच्छी रोल में नजर आने वाली है, जो सास के रोल में इस फिल्म में नजर आने वाली है रिंकू भारती। जी हाँ फैंस, सासू जी तूने कदर न जानी एक ड्रामा फिल्म है, फैमिली मूवी है। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों फिल्म के ट्रेलर के बारे में हम बात करें तो फिल्म के ट्रेलर में हमें देखने को मिला है कि सासू जी तूने कदर न जानी में जो हीरो की माँ है वो अपनी बहू के लिए तरस रही होती है। जब उनका बेटा का विवाह होता है तो उनके घर में एक बहुत ही खूबसूरत बहू आती है। बहू के आने के बाद वो सोचती है कि जैसे उसने अपने मन में सोचा था, अपने सपना में सोचा था कि बहू जब आ जाएगी तो सारे घर के काम अकेले कर लेगी, जैसे कि दोस्तों गांव घर में सोचा जाता है और सारा बोझ जो है बहू के ऊपर डाल दिया जाता है। तो कुछ इसी तरह की कहानी इस फिल्म में हमें देखने को मिलता है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर बात की जाए फिल्म के डायरेक्टर के बारे में तो अजय कुमार झा ने फिल्म को डायरेक्ट किया। फिल्म की प्रोड्यूसर के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म को दो लोगों ने प्रोड्यूस किया, सबसे पहले संदीप सिंह, उनके अलावा अरविंद कुमार अग्रवाल इस फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं। स्टोरी लेखक के बारे में हम बात कर ले तो अरविंद तिवारी जी फिल्म की कहानी को लिखे हैं। म्यूजिक के बारे में हम बात कर ले तो ओम झा ने इस फिल्म के गाने को तैयार किए हैं। लिरिक्स के बारे में हम बात कर ले तो अरविंद तिवारी जी ने गाने को लिखे हैं। कोरियोग्राफर के बारे में हम बात कर ले तो परवीन सलार ने कोरियोग्राफ किया है फिल्म को। जी हाँ फैंस, सासू जी तूने कदर न जाने फिल्म में आपको एक अच्छी कहानी देखने को मिलेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि इसमें आपको अश्लील सीन देखने को मिलेगा। बता दें दोस्तों फिल्म बहुत जल्द रिलीज होगी। फिल्म के ट्रेलर अभी तक आपने नहीं देखा है तो बी फॉर यू भोजपुरी चैनल पे इस फिल्म के ट्रेलर को रिलीज किया गया है, वहाँ पे जाके फिल्म के ट्रेलर को आप देख सकते हैं। बात की जाए फिल्म की हीरोइन के बारे में तो संचिता बनर्जी का किरदार इस फिल्म में एक गृहिणी के रूप में देखने को मिलेगा। जहां दोस्तों वो अपने सास से परेशान हो जाती है, क्योंकि जब उनका विवाह होता है तो उनकी सास उनके पीछे ही पड़े रहती है काम करने के लिए। और दोस्तों उनकी सास का ये कहना है कि तुम जल्दी उठो, जल्दी से खाना बनाओ और सभी को खिलाओ, इसके बाद खुद खाओ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि संचिता बनर्जी को पता नहीं होता है कि विवाह होने के बाद क्या होगा गांव में, क्योंकि दोस्तों संचिता बनर्जी फिल्म के अंदर शहर से बिलोंग करती है। और आदित्य ओझा के बारे में हम बात कर ले तो आदित्य ओझा गांव से बिलोंग करते हैं। लेकिन दोस्तों आदित्य ओझा का किरदार इस फिल्म में सिर्फ एक पति का है, साफ सुथरा पति का, जो एक हीरो के किरदार में इनका किरदार के बारे में हम बात कर ले तो ठीक ठाक हमें देखने को मिला है ट्रेलर के अंदर। जैसे कि दोस्तों एक आम पति होता है जो अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, अपने घर में लाके रख देता है, फिर काम पे चला जाता है, इसी तरह का सीन इस फिल्म में हमें देखने को मिला है। क्योंकि आदित्य ओझा का विवाह होने के बाद संचिता बनर्जी और आदित्य ओझा घर पे आते हैं, उसके बाद आदित्य ओझा बाहर चले जाते हैं, फिर उनकी माँ सब कुछ देखभाल करती है। आदित्य ओझा की माँ इसमें रिंकू भारती है। रिंकू भारती का अपने सास अपनी बहू के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा भी देखने को मिलता है, यानी कि कुछ खाना में गड़बड़ हो जाना, फिर पहले सबसे उठ के खा लेना, ये सब चीज़ें जो है इस फिल्म में रिंकू भारती को कुछ पसंद नहीं आता है। तो ये कहानी आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक नॉर्मल कहानी है, जो गांव की कहानी को लेकर बनाया गया है। फिल्म में कोई भी अश्लील सीन हमें देखने को नहीं मिलता है। अगर बात करें कि ये फिल्म पारिवारिक है या नहीं तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि ये एक शुद्ध पारिवारिक फिल्म है। फिल्म के गाने के बारे में हम बात करें तो गाने भी काफी अच्छे हैं, फिल्म के गाने भी ठीक ठाक हमें देखने को मिलता है। वैसे दोस्तों भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में हम बात करें तो भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसे कई सारी फिल्में साल में रिलीज होती है जिसमें बहुत सारे अश्लील सीन भर दिए जाते हैं, जो ऑडियंस को काफी ज्यादा बुरा लगता है और बहुत ऐसे ऑडियंस जिनको अच्छा भी लगता है। लेकिन दोस्तों क्या अश्लील सीन के बगैर फिल्में नहीं बनाई जा सकती? तो मेरा ये कहना है कि अश्लील सीन के बगैर भी फिल्में बनाई जा सकती है और फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स भी देखने को मिलेगा, जैसे कि पहले जमाने में हुआ करता था। लेकिन दोस्तों बीच में भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा कचरा हो गया था, क्योंकि बहुत ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने बिल्कुल गंद फैला दी थी और बहुत ऐसे ऐसे अश्लील गानों को निकाल दिया, जिसकी वजह से ऑडियंस जो है फिल्म को देखना ही बंद कर दिया था।
लेकिन दोस्तों वापस से भोजपुरी की तरफ ऑडियंस जो है लौट रही है, भोजपुरी फिल्म को पसंद करने लग गई है, जैसे कि इस फिल्म को देखने के लिए लोग बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी भोजपुरी फिल्म सासू जी तूने कदर ना जानी को यूट्यूब पर देखना पसंद करते हो तो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो में हम इस मूवी से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट को वीडियो में बता रहे हैं। सासू जी तूने कदर ना जानी फिल्म के रिलीज डेट के बारे में हम बात करें तो 3 अगस्त को इस फिल्म को यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जाएगा यूट्यूब चैनल पे, तो आप इसको आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप भोजपुरी फिल्म को देखना पसंद करते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, भोजपुरी फिल्म की कहानी के बारे में हम बात कर ले तो कहानी सिर्फ यानी कि शॉर्ट में कहानी होती है, लेकिन भोजपुरी फिल्म के अंदर आपको एक चीज़ ज़्यादा देखने को मिलेगा, वो है फिल्म के गाने। यानी कि जरूरत नहीं भी होती है फिर भी आपको 6 या 7 या 10 गाने कम से कम एक भोजपुरी फिल्म में तो आपको देखने को मिलता है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें भोजपुरी फिल्म में ज़्यादा गाना होना ये आम बात है। ऐसे में दोस्तों भोजपुरी इंडस्ट्री के संजीता बनर्जी ने अपनी सोशल अकाउंट पे इस फिल्म का सबसे पहले प्रचार किया था। संजीता बनर्जी ने अपने सोशल मीडिया पर अपनी आने वाली फिल्म सासू जी तूने कदर ना जानी का फर्स्ट लुक जारी किया था और सभी को बताया था। फिल्म के फर्स्ट लुक के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों फर्स्ट लुक को लोग बहुत ज़्यादा पसंद किए और एक्टर संजीता बनर्जी भोजपुरी इंडस्ट्री के पॉपुलर चेहरों में से एक मानी जाती है। उन्होंने दोस्तों भोजपुरी के कई बड़े स्टार के साथ काम किया है। उनकी एक्टिंग के बारे में हम बात करें तो दर्शकों को खूब ज़्यादा उनकी पसंद आती है। हर किसी की नजरों में एक्टर्स अपनी काबिलियत के बदौलत छाई हुई है। अपनी इस आने वाले फिल्म में एक्टर संचिता बनर्जी आदित्य ओझा के साथ नजर आने वाली है। पोस्टर में एक कॉमेडी ड्रामा का वादा किया गया है जिसमें बनर्जी संचिता एक गृहिणी की भूमिका निभाती हुई नजर आएंगी। और दोस्तों उन्होंने पोस्टर करते हुए ये बताया है कि ये फिल्म बहुत जल्द रिलीज होने के लिए आ रही है। वैसे में दोस्तों आपको बता दे सासू जी तूने कदर न जानी अजय कुमार झा द्वारा निर्देशित की गई है, जबकि संदीप सिंह और अरविंद कुमार अग्रवाल द्वारा निर्मित किया गया है। इस फिल्म के अंदर किरण यादव, संतोष श्रीवास्तव, रिंकू भारती और मनोज सिंह भी नजर आने वाले हैं। इसके अलावा संजीता बनर्जी के पास वैष्णी में बाबूजी के आशीर्वाद और 5 महारिया जैसी कई फिल्में हैं, जिनमें किशन राय, गार्गी पंडित, कनक पांडे, निशा दुबे और प्राची सिंह नजर आने वाली है। एक्टर्स ने जैसे ही अपने फिल्म का फर्स्ट लुक जारी किया, लोगों ने उस पर अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। हर किसी को उनके फिल्म का फर्स्ट लुक बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। हालांकि फिल्म को कितना प्यार मिलेगा ये तो रिलीज होने के बाद ही हम आपको बता सकते हैं। जी हाँ फैंस, क्योंकि दोस्तों रिलीज होने से पहले सभी प्रोड्यूसर का और सभी डायरेक्टर का यही कहना होता है कि हमने एक अच्छी कहानी को तैयार किया है, एक अच्छी कहानी बनाने की कोशिश की है, ये सभी का कहना है। लेकिन दोस्तों कहानी कितनी अच्छी है ये तो रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। यानी कि अगर आपने एक बिरयानी पका लिया और सभी को आप बता रहे कि ये बिरयानी बहुत ही स्वादिष्ट है, लेकिन दोस्तों जब तक आप खा के देखोगे नहीं आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये बिरयानी कितनी स्वादिष्ट है और कितने लायक है। वैसे ही इस फिल्म के उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं कि जब तक आप इस फिल्म को देखोगे नहीं आपको उतना कुछ ज़्यादा समझ में आने वाला है नहीं। दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं सासू जी तूने कदर न जानी भोजपुरी फिल्म को जो बहुत जल्द यूट्यूब पे रिलीज होने आ रही है। वैसे में दोस्तों आपको बता दें वैसे भोजपुरी फिल्म में बहुत है, भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारी फिल्में अभी रिलीज होने वाली है। खेसारी लाल का फिल्म आने वाला है, साथ ही साथ अमरपाली दुबे का फिल्म आने वाला है, रहुआ का फिल्म आने वाला है, ऐसे बहुत से एक्टर्स हैं जिनकी फिल्म अभी बहुत जल्द आने वाली है साल 2023 के अंदर। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें खेसारी लाल यादव का भी फिल्म 2023 में रिलीज हुआ है। साल 2023 में फरिश्ता फिल्म को रिलीज किया गया है। भोजपुरी फिल्म जगत में एक ही नाम की गूंज यानी कि सुनाई दे रही अभी, और वो है नाम कोई और नहीं बल्कि हिट जो है मशीन खेसारी लाल यादव का नाम अभी दिखाई दे रहा है। दोस्तों कहा जा रहा है कि रोजाना एक के बाद एक गाना इनका रिलीज होते जा रहा है और सबको अपना दीवाना बना रहे हैं। खेसारी लाल यादव की हालिया रिलीज भोजपुरी फिल्म फरिश्ता जो काफी शानदार बॉक्स ऑफिस पे कमाई किया है। दोस्तों अगर हम इनके गाने के बारे में हम बात कर ले तो इनके गाने में खेसारी अपने माता पिता और भाइयों की सेवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका पागलपन ही इस गाने की जान है जो दर्शकों को इसे बार बार देखने पर मजबूर कर रहा है। इस गाने को वेब म्यूजिक के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पे रिलीज किया गया है। गाने में खेसारी के एक्सप्रेशन ने सभी का ध्यान अपनी तरफ जो है खींचा, वहीं इसके अमित शुक्ला का सख्त रुख भी इसमें देखने को मिलता है। गाने में खेसारी कहते हैं कि हरदम माई बाप की सेवा में लागल रहेला, हरदम माई बाप की सेवा में लागल रहेला और एक दुनिया पागल कहेला। गाने को अब तक जो है 3 लाख के करीब व्यूज मिल चुके हैं, 37,000 से अधिक इसके लाइक मिल चुके हैं। इस गाने को खेसारी लाल यादव की फैन फॉलोइंग इतनी
टगरी है कि वह किसी भी गाने या फिल्म को हिट कराने के लिए उनका नाम अभी काफी हो चुका है। फरिश्ता इस समय आपको बता दें यूपी बिहार में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। फरिश्ता भोजपुरी फिल्म एक अच्छी कहानी की पारिवारिक फिल्म है। इस फिल्म में खेसारी लाल यादव एक पागल बेटे के रोल में नजर आ रहे हैं। इसके पिताजी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते फिल्म में और हमेशा उसको पागल कहकर नीचा दिखाते रहते हैं। इस गाने को सिंगर बबुआ विकास ने गाया है। वहीं इस गाने के लेखक के बारे में हम बात करें तो म्यूजिक कृष्णा बेदर्दी ने इस गाने को लिखा है। जी हाँ दोस्तों, गाने काफी शानदार लिखे हुए हैं। बता दें खेसारी लाल यादव जल्द ही नए अवतार में नजर आएंगे। अपकमिंग फिल्म वीर हनुमान में वह नजर आने वाले हैं। निर्माता रत्नाकर कुमार ने फिल्म की घोषणा करते हुए एक पोस्टर शेयर किया। पोस्टर जो है सिंदूर रंग के साथ बनाया गया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा है कि अनाउंसमेंट फिल्म जो है वीर हनुमान बीट के साथ खेसारी लाल फिर से वापसी कर रहे हैं। जहाँ दोस्तों इनका एक और ये फिल्म देखने में काफ़ी शानदार हमें और मज़ा आने वाला है। वैसे दोस्तों अगर आप खेसारी लाल यादव के फैन हो तो इस वीडियो में आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं भोजपुरी फिल्म सासू जी तूने कदर न जानी के बारे में। इसको काफ़ी ज़्यादा सुर्खियाँ मिली है कि ये फिल्म कब तक रिलीज होगी। काफी ज्यादा सुर्खियों में ये फिल्म छाया हुआ है। वैसे में दोस्तों इस फिल्म के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा भी किया गया था 2022 से लेकर 2023 में। लोग इसको देखने के लिए YouTube पे बहुत ज्यादा सर्च कर रहे हैं लेकिन ये फिल्म अभी YouTube पर देखने को नहीं मिलता है। वैसे में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस मूवी को मैं भी अपलोड नहीं कर सकता क्योंकि इस मूवी को अपलोड करने का अधिकार मुझे नहीं है और मेरे पास ये फिल्म है भी नहीं, क्योंकि आप लोग का बहुत ज़्यादा कमेंट तो आता रहता है कि सर आप अपने चैनल पे फिल्म को अपलोड कीजिए। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं कि मैं सिर्फ मूवी को रिव्यू कर सकता हूँ, बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में ही बता सकता हूँ। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं आकांक्षा दुबे के बारे में, जिनकी दुखद घटना ने सभी को काफी ज्यादा परेशान कर दिया है क्योंकि इनका एक रहस्यमय मौत हो गई जिसकी वजह से हमें कुछ भी नहीं पता चल पाया कि आकांक्षा दुबे को क्या हुआ था। तो इनका एक गाना रिलीज हुआ है, चलिए उस गाने के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दे आकांक्षा दुबे एक भोजपुरी एक्ट्रेस है। मॉडलिंग और डांसर में इनका बहुत ज्यादा शौक था जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत फेमस थी और उन्होंने ज्यादातर भोजपुरी स्टार समर सिंह के साथ काम किया है। उनके बहुत सारे भोजपुरी गाने आ चुकी है जो कि लोगों ने बहुत पसंद किया है और इस वजह से इनके गाने वायरल भी बहुत ज्यादा होते हैं। आज हम आकांक्षा दुबे के बारे में आप सभी को बताने जा रहे हैं। आकांक्षा दुबे मूल रूप से बहुत ज्यादा यानी कि भदोई उत्तर प्रदेश की रहने वाली है और उनके बारे में हम बात कर ले तो फिलहाल वह मुंबई में रहती है। इन्होंने अपनी शिक्षा उत्तर प्रदेश में ही प्राप्त किया और वह सिर्फ जो इंटरमीडिएट तक ही पढ़ाई की है। उसके बाद इन्होंने अपनी डांसिंग और अपनी फिल्मी दुनिया से रिश्ता जोड़ लिया। इसके बाद इन्होंने कई सारी फिल्मों में काम किया है और उनको कई बहुत सारी फिल्में मिली भी थी और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इनको मिल रहा था फिल्मी दुनिया में। दोस्तों भोजपुरी में इनके बहुत ज्यादा फैंस बन चुके थे और ऐसे में आकांक्षा दुबे का एक दिल दहला देने वाला खबर आया था 2 दिन पहले और वो था कि इन्होंने अपने आप को फांसी लटका के मार दिया। तो दोस्तों ये एक दुखद घटना है। तो फैंस उम्मीद करता हूँ कि आकांक्षा दुबे के बारे में आपका क्या ख्याल है आप मुझे नीचे तो बता दें। दोस्तों इस फिल्म को 3 अगस्त बुधवार को रिलीज किया जाएगा बी फॉर यू YouTube चैनल पे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पे आपको अच्छी अच्छी भोजपुरी फिल्म देखने को मिलता है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सासू जी तूने कदर न जानी के बारे में। बता दें दोस्तों सासू जी तूने कदर न जानी अपकमिंग भोजपुरी फिल्म है जिसे बी फॉर यू मोशन एंड SS विद हाई IQ ENT के बैनर के तले बनाया जा रहा है, जिसके निर्देशक है अजय कुमार झा और निर्माता के बारे में हम बात कर ले तो संदीप सिंह है और अरविंद कुमार अग्रवाल इस मूवी में लीड रोल में नजर आने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों फिल्म के हीरो के बारे में हम बात कर ले तो आदित्य ओझा फिल्म के हीरो होने वाले हैं। फिल्म की हीरोइन के बारे में हम बात कर ले तो संचिता बनर्जी फिल्म की हीरोइन होने वाली है। दूसरे प्रमुख कलाकारों के बारे में हम बात कर ले तो उनमें प्रमुख जो है संतोष श्रीवास्तव, निधि सिंह, उनके अलावा सीनियर मिश्री और रिंकू भारती इस फिल्म में काफ़ी अच्छी रोल में नजर आने वाली है। जो सास के रोल में इस फिल्म में नजर आने वाली है रिंकू भारती। जी हाँ फैंस, सासू जी तूने कदर न जानी ये एक ड्रामा फिल्म है, फैमिली मूवी है। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों फिल्म के ट्रेलर के बारे में हम बात करें तो फिल्म के ट्रेलर में हमें देखने को मिला है कि सासू जी तूने कदर न जानी में जो हीरो की माँ है वो अपनी बहू के लिए तरस रही होती है। जब उनका बेटा का विवाह होता है तो उनके घर में एक बहुत ही खूबसूरत बहू आती है
बहू के आने के बाद वो सोचती है कि जैसे उसने अपने मन में सोचा था, अपने सपना में सोचा था कि बहू जब आ जाएगी तो सारे घर के काम अकेले कर लेगी, जैसे कि दोस्तों गांव घर में सोचा जाता है और सारा बोझ जो है बहू के ऊपर डाल दिया जाता है। तो कुछ इसी तरह की कहानी इस फिल्म में हमें देखने को मिलता है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर बात की जाए फिल्म के डायरेक्टर के बारे में तो अजय कुमार झा ने फिल्म को डायरेक्ट किया। फिल्म की प्रोड्यूसर के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म को दो लोगों ने प्रोड्यूस किया। सबसे पहले संदीप सिंह, उनके अलावा अरविंद कुमार अग्रवाल इस फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं। स्टोरी लेखक के बारे में हम बात कर ले तो अरविंद तिवारी जी फिल्म की कहानी को लिखे हैं। म्यूजिक के बारे में हम बात कर ले तो ओम झा ने इस फिल्म के गाने को तैयार किए हैं। लिरिक्स के बारे में हम बात कर ले तो अरविंद तिवारी जी ने गाने को लिखे हैं। कोरियोग्राफर के बारे में हम बात कर ले तो परवीन सलार ने कोरियोग्राफ किया है फिल्म को। जी हाँ फैंस, सासू जी तूने कदर ना जाने फिल्म में आपको एक अच्छी कहानी देखने को मिलेगा। इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि इसमें आपको अश्लील सीन देखने को मिलेगा। बता दें दोस्तों फिल्म बहुत जल्द रिलीज होगी। फिल्म के ट्रेलर अभी तक आपने नहीं देखा है तो बी फॉर यू भोजपुरी चैनल पे इस फिल्म के ट्रेलर को रिलीज किया गया है, वहां पे जाके फिल्म के ट्रेलर को आप देख सकते हैं। बात की जाए फिल्म की हीरोइन के बारे में तो संचिता बनर्जी का किरदार इस फिल्म में एक गृहिणी के रूप में देखने को मिलेगा। जहां दोस्तों वो अपने सास से परेशान हो जाती है क्योंकि जब उनका विवाह होता है तो उनकी सास उनके पीछे ही पड़े रहती है काम करने के लिए। और दोस्तों उनकी सास का ये कहना है कि तुम जल्दी उठो, जल्दी से खाना बनाओ और सभी को खिलाओ, इसके बाद खुद खाओ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि संचिता बनर्जी को पता नहीं होता है कि विवाह होने के बाद क्या होगा गांव में, क्योंकि दोस्तों संचिता बनर्जी फिल्म के अंदर शहर से बिलोंग करती है। और आदित्य ओझा के बारे में हम बात कर ले तो आदित्य ओझा गांव से बिलोंग करते हैं। लेकिन दोस्तों आदित्य ओझा का किरदार इस फिल्म में सिर्फ एक पति का है, साफ सुथरा पति का, जो एक हीरो के किरदार में इनका किरदार के बारे में हम बात कर ले तो ठीक ठाक हमें देखने को मिला है ट्रेलर के अंदर। जैसे कि दोस्तों एक आम पति होता है जो अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता है, अपने घर मिला के रख देता है, फिर काम पे चला जाता है, इसी तरह का सीन इस फिल्म में हमें देखने को मिला है। क्योंकि आदित्य ओझा का विवाह होने के बाद संचिता बनर्जी और आदित्य ओझा घर पे आते हैं, उसके बाद आदित्य ओझा बाहर चले जाते हैं, फिर उनकी माँ सब कुछ देखभाल करती है। आदित्य ओझा की माँ इसमें रिंकू भारती है। रिंकू भारती का अपने सास अपनी बहू के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा भी देखने को मिलता है, यानी कि कुछ खाना में गड़बड़ हो जाना, फिर पहले सबसे उठ के खा लेना, ये सब चीज़ें जो है इस फिल्म में रिंकू भारती को कुछ पसंद नहीं आता है। तो ये कहानी आपको देखने को मिलेगी जो कि एक नॉर्मल कहानी है जो गाँव की कहानी को लेकर बनाया गया है। फिल्म में कोई भी अश्लील सीन हमें देखने को नहीं मिलता है। अगर बात करें कि ये फिल्म पारिवारिक है या नहीं तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि ये एक शुद्ध पारिवारिक फिल्म है। फिल्म के गाने के बारे में हम बात करें तो गाने भी काफी अच्छे हैं, फिल्म के गाने भी ठीक ठाक हमें देखने को मिलता है। वैसे दोस्तों भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में हम बात करें तो भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसे कई सारी फिल्में साल में रिलीज होती है जिसमें बहुत सारे अश्लील सीन भर दिए जाते हैं जो ऑडियंस को काफी ज्यादा बुरा लगता है, और बहुत ऐसे ऑडियंस जिनको अच्छा भी लगता है। लेकिन दोस्तों क्या अश्लील सीन के बगैर फिल्में नहीं बनाई जा सकती? तो मेरा ये कहना है कि अश्लील सीन के बगैर भी फिल्में बनाई जा सकती है और फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स भी देखने को मिलेगा, जैसे कि पहले जमाने में हुआ करता था। लेकिन दोस्तों बीच में भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा कचरा हो गया था क्योंकि बहुत ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने बिल्कुल गंद फैला दी थी और बहुत ऐसे ऐसे अश्लील गानों को निकाल दिया, जिसकी वजह से ऑडियंस जो है फिल्म को देखना ही बंद कर दिया था। लेकिन दोस्तों वापस से भोजपुरी की तरफ ऑडियंस जो है लौट रही है, भोजपुरी फिल्म को पसंद करने लग गई है, जैसे कि इस फिल्म को देखने के लिए लोग बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी भोजपुरी फिल्म सासू जी तूने कदर ना जानी को यूट्यूब पर देखना पसंद करते हो तो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो में हम इस मूवी से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट को वीडियो में बता रहे हैं। सासू जी तूने कदर ना जानी फिल्म के रिलीज डेट के बारे में हम बात कर ले तो 3 अगस्त को इस फिल्म को यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जाएगा बीफोर यूट्यूब चैनल पे। तो आप इसको आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप भोजपुरी फिल्म को देखना पसंद करते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। जी हाँ फैंस, भोजपुरी फिल्म की कहानी के बारे में हम बात कर ले तो कहानी सिर्फ यानी कि शॉर्ट में कहानी होती है, लेकिन भोजपुरी फिल्म के अंदर आपको एक चीज ज्यादा देखने को मिलेगा, वो है फिल्म के गाने। यानी कि जरूरत नहीं भी होती है फिर भी आपको 6 या 7 या 10 गाने कम से कम एक भोजपुरी फिल्म में तो आपको देखने को मिलता है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें भोजपुरी फिल्म में ज़्यादा गाना होना ये आम बात है। ऐसे में दोस्तों भोजपुरी इंडस्ट्री के संचिता बनर्जी ने अपनी सोशल अकाउंट पे इस फिल्म का सबसे पहले प्रचार किया था। संचिता बनर्जी ने अपने सोशल मीडिया पर अपनी आने वाली फिल्म सासू जी तूने कदर ना जानी का फर्स्ट लुक जारी किया था और सभी को बताया था। फिल्म के फर्स्ट लुक के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों फर्स्ट लुक को लोग बहुत ज़्यादा पसंद किए और एक्टर संचिता बनर्जी भोजपुरी इंडस्ट्री के पॉपुलर चेहरों में से एक मानी जाती है। उन्होंने दोस्तों भोजपुरी के कई बड़े स्टार के साथ काम किया है। उनकी एक्टिंग के बारे में हम बात करें तो दर्शकों को खूब ज़्यादा उनकी एक्टिंग
एक्टिंग पसंद आती है। हर किसी की नजरों में एक्टर्स अपनी काबिलियत के बदौलत छाई हुई है। अपनी इस आने वाली फिल्म में एक्ट्रेस संचिता बनर्जी आदित्य ओझा के साथ नजर आने वाली है। पोस्टर में एक कॉमेडी ड्रामा का वादा किया गया है जिसमें बनर्जी संचिता एक गृहिणी की भूमिका निभाती हुई नजर आएंगी। और दोस्तों उन्होंने पोस्टर करते हुए ये बताया है कि ये फिल्म बहुत जल्द रिलीज होने के लिए आ रही है। वैसे में दोस्तों आपको बता दे, सासू जी तूने कदर न जानी अजय कुमार झा द्वारा निर्देशित की गई है, जबकि संदीप सिंह और अरविंद कुमार अग्रवाल द्वारा निर्मित किया गया है। इस फिल्म के अंदर किरण यादव, संतोष श्रीवास्तव, रिंकू भारती और मनोज सिंह भी नजर आने वाले हैं। इसके अलावा संजीता बनर्जी के पास वैष्णी में बाबूजी के आशीर्वाद और पांच महारिया जैसी कई फिल्में हैं, जिनमें किशन राय, गार्गी पंडित, कनक पांडे, निशा दुबे और प्राची सिंह नजर आने वाली है। एक्टर्स ने जैसे ही अपने फिल्म का फर्स्ट लुक जारी किया, लोगों ने उस पर अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। हर किसी को उनके फिल्म का फर्स्ट लुक बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। हालांकि फिल्म को कितना प्यार मिलेगा ये तो रिलीज होने के बाद ही हम आपको बता सकते हैं। जी हाँ फैंस, क्योंकि दोस्तों रिलीज होने से पहले सभी प्रोड्यूसर का और सभी डायरेक्टर का यही कहना होता है कि हमने एक अच्छी कहानी को तैयार किया है, एक अच्छी कहानी बनाने की कोशिश की है, ये सभी का कहना है। लेकिन दोस्तों कहानी कितनी अच्छी है ये तो रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। यानी कि अगर आपने एक बिरयानी पका लिया और सभी को आप बता रहे कि ये बिरयानी बहुत ही स्वादिष्ट है, लेकिन दोस्तों जब तक आप खा के देखोगे नहीं आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये बिरयानी कितनी स्वादिष्ट है और कितने लायक है। वैसे ही इस फिल्म के उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं कि जब तक आप इस फिल्म को देखोगे नहीं आपको उतना कुछ ज्यादा समझ में आने वाला है नहीं। दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे सासू जी तूने कदर न जानी भोजपुरी फिल्म को, जो बहुत जल्द यूट्यूब पे रिलीज होने आ रही है। वैसे में दोस्तों आपको बता दें, वैसे भोजपुरी फिल्म में बहुत है, भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारी फिल्में भी रिलीज होने वाली है। खेसारी लाल का फिल्म आने वाला है, साथ ही साथ अमरपाली दुबे का फिल्म आने वाला है, रहुआ का फिल्म आने वाला है, ऐसे बहुत से एक्टर्स हैं जिनकी फिल्म अभी बहुत जल्द आने वाली है साल 2023 के अंदर। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें खेसारी लाल यादव का भी फिल्म 2023 में रिलीज हुआ है। साल 2023 में फरिश्ता फिल्म को रिलीज किया गया है। भोजपुरी फिल्म जगत में एक ही नाम की गूंज यानी कि सुनाई दे रही अभी, और वो है नाम कोई और नहीं बल्कि हिट जो है मशीन खेसारी लाल यादव का नाम अभी दिखाई दे रहा है। दोस्तों कहा जा रहा है कि रोजाना एक के बाद एक गाना इनका रिलीज होते जा रहा है और सबको अपना दीवाना बना रहे हैं। खेसारी लाल यादव की हालिया रिलीज भोजपुरी फिल्म फरिश्ता, जो काफ़ी शानदार बॉक्स ऑफिस पे कमाई किया है। दोस्तों अगर हम इनके गाने के बारे में हम बात कर ले तो इनके गाने में खेसारी अपने माता पिता और भाइयों की सेवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका पागलपन ही इस गाने की जान है जो दर्शकों को इसे बार बार देखने पर मजबूर कर रहा है। इस गाने को वेब म्यूजिक के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पे रिलीज किया गया है। गाने में खेसारी के एक्सप्रेशन ने सभी का ध्यान अपनी तरफ जो खींचा, वहीं इसके अमित शुक्ला का सख्त रुख भी इसमें देखने को मिलता है। गाने में खेसारी कहते हैं कि हरदम माई बाप की सेवा में लागल रहेला, हरदम माय बाप की सेवा में लागल रहेला और एके दुनिया पागल कहेला। गाने को अब तक जो है 3 लाख के करीब व्यूज मिल चुके हैं, 37,000 से अधिक इसके लाइक मिल चुके हैं। इस गाने को खेसारी लाल यादव की फैन फॉलोइंग इतनी तगड़ी है कि वह किसी भी गाने या फिल्म को हिट कराने के लिए उनका नाम अभी काफी हो चुका है। फरिश्ता इस समय आपको बता दें यूपी बिहार में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। फरिश्ता भोजपुरी फिल्म एक अच्छी कहानी की पारिवारिक फिल्म है। इस फिल्म में खेसारी लाल यादव एक पागल बेटे के रोल में नजर आ रहे हैं। इसके पिताजी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते फिल्म में और हमेशा उसको पागल कहकर नीचा दिखाते रहते हैं। इस गाने को सिंगर बबुआ विकास ने गाया है। वहीं इस गाने के लेखक के बारे में हम बात करें तो म्यूजिक कृष्णा बेदर्दी ने इस गाने को लिखा है। जी हाँ दोस्तों गाने काफी शानदार लिखे हुए हैं। बता दें खेसारी लाल यादव जल्द ही नए अवतार में नजर आएंगे। अपकमिंग फिल्म वीर हनुमान में वह नजर आने वाले हैं। निर्माता रत्नाकर कुमार ने फिल्म की घोषणा करते हुए एक पोस्टर शेयर किया। पोस्टर जो है सिंदूर रंग के साथ बनाया गया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा है कि अनाउंसमेंट फिल्म जो है वीर हनुमान बीट के साथ खेसारी लाल फिर से वापसी कर रहे हैं। या दोस्तों इनका एक और ये फिल्म देखने में काफी शानदार हमें और मजा आने वाला है। वैसे दोस्तों अगर आप खेसारी लाल यादव के फैन हो तो इस वीडियो में आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं भोजपुरी फिल्म सासू जी तूने कदर न जानी के बारे में, जिसको काफी ज्यादा सुर्खियां मिली है कि ये फिल्म कब तक रिलीज होगी। काफी ज्यादा सुर्खियों में ये फिल्म छाया हुआ है। वैसे में दोस्तों
इस फिल्म के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा भी किया गया था 2022 से लेकर 2023 में। लोग इसको देखने के लिए यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, लेकिन ये फिल्म अभी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है। वैसे में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस मूवी को मैं भी अपलोड नहीं कर सकता, क्योंकि इस मूवी को अपलोड करने का अधिकार मुझे नहीं है और मेरे पास ये फिल्म है भी नहीं, क्योंकि आप लोग का बहुत ज़्यादा कमेंट तो आता रहता है कि सर आप अपने चैनल पे फिल्म को अपलोड कीजिए। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं कि मैं सिर्फ मूवी को रिव्यू कर सकता हूं, बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में ही बता सकता हूं। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं आकांक्षा दुबे के बारे में, जिनकी दुखद घटना ने सभी को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिया है, क्योंकि इनका एक रहस्यमय मौत हो गई जिसकी वजह से हमें कुछ भी नहीं पता चल पाया कि आकांक्षा दुबे को क्या हुआ था। तो इनका एक गाना रिलीज हुआ है, चलिए उस गाने के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें, आकांक्षा दुबे एक भोजपुरी एक्ट्रेस है। मॉडलिंग और डांसर में इनका बहुत ज़्यादा शौक था, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत फेमस थी और उन्होंने ज़्यादातर भोजपुरी स्टार समर सिंह के साथ काम किया है। उनके बहुत सारे भोजपुरी गाने आ चुकी है जो कि लोगों ने बहुत पसंद किया है और इस वजह से इनके गाने वायरल भी बहुत ज़्यादा होते हैं। आज हम आकांक्षा दुबे के बारे में आप सभी को बताने जा रहे हैं। आकांक्षा दुबे मूल रूप से बहुत ज़्यादा यानी कि भदोई उत्तर प्रदेश की रहने वाली है और उनके बारे में हम बात कर ले तो फिलहाल वह मुंबई में रहती है। इन्होंने अपनी शिक्षा उत्तर प्रदेश में ही प्राप्त किया और वह सिर्फ जो इंटरमीडिएट तक ही पढ़ाई की है। उसके बाद इन्होंने अपनी डांसिंग और अपनी फिल्मी दुनिया से रिश्ता जोड़ लिया। इसके बाद इन्होंने कई सारी फिल्मों में काम किया है और उनको कई बहुत सारी फिल्में मिली भी थी और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इनको मिल रहा था फिल्मी दुनिया में। दोस्तों भोजपुरी में इनके बहुत ज़्यादा फैंस बन चुके थे और ऐसे में आकांक्षा दुबे का एक दिल दहला देने वाला खबर आया था 2 दिन पहले, और वो था कि इन्होंने अपने आप को फांसी लटका के मार दिया। तो दोस्तों ये एक दुखद घटना है। तो फैंस उम्मीद करता हूँ कि आकांक्षा दुबे के बारे में आपका क्या ख्याल है आप मुझे नीचे। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको वीडियो के फर्स्ट में बताया था कि इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे सासू जी तूने कदर न जाने के बारे में, और साथ ही साथ दोस्तों बताएंगे कि भोजपुरी फिल्म कौन कौन सी अभी आने वाली है उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं सासू जी तूने कदर न जाने फिल्म को, फिल्म की कहानी क्या है, फिल्म कब तक रिलीज होगी, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं। फ्रेंड्स बता दें कि अभी मूवी के रिलीज डेट को अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों एक खबर से हमें ये पता चला है कि फिल्म 3 अगस्त को रिलीज होगा। तो दोस्तों अगर अभी सासू जी तूने कदर न जाने फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। फिल्म के हीरो के बारे में हम बात कर ले तो आदित्य ओझा फिल्म की हीरो है। फिल्म की हीरोइन के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म में संचिता बनर्जी हीरोइन के रूप में नजर आने वाली है। फिल्म की कहानी पारिवारिक होने वाला है, एक कॉमेडी ड्रामा का वादा किया है पोस्टर शेयर करते हुए। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो गाइस मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टिल एंड सी यू सून।